हालेलुया, सारे जोर दी बोलो हालेलुया। सारे अपनी अखां नूं बंद करो, अपनी आत्मा नूं, अपनी स्पिरिट नूं तैयार करो। तेरी गवाही तुसीं सुणन जाण दिओ, ओह साडे जीवन दे विच 100 गुना फल लैके आए। सारे बोलना आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर दी प्रभु दी प्रजा जोर दी बोलो हालेलुया। सारे अपनी अखां नूं बंद करो, हत्थां नूं उत्ते चुको, एक बार एक मन हो जाओ। सारी कलीसिया एक मन हो जाए, सारे एक मन हो जाओ, ते एक आवाज नाल बोलो तो तेरी शक्ति से भर दे। हे पिता, ये तेरी प्रजा है जिसे तूने बचाने के लिए रखा और हमें नियुक्त किया पिता। आज प्रभु जी, हे परम पिता परमेश्वर, तेरे परम पावन बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से यहाँ चिन्ह और चमत्कार होने दे। सारे जोर दी बोलो आमीन। प्रभु जी, प्रजा जोर दी बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूं इन सब लोगों के लिए, जितने लोग यहां पे मौजूद हैं। हे पिता, इनको मैं तेरे पवित्र लहू से कवर करता हूं, इनके परिवारों को तेरे पवित्र लहू से कवर करता हूं। हे पिता, जो वचन ये सुनने जा रहे हैं, कोई अंधकार की शक्तियां बैरी की योजना है, इनके जीवन से इस वचन को कभी ना चुरा पाए। सब बोलो आमीन। ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। सारे जोर से बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक वचन बोलकर मैं शुरू करूंगा। आपको मैं आज बताने जा रहा हूं किस तरह से प्रभु ने अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा किया। हालेलुया। किस तरीके से उस परम पावन एकमात्र जिंदा खुदा ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। हालेलुया। किस तरह से उसने मुझे पाप की गर्त से बचाया, किस तरह से उसने महान महान और अद्भुत कार्य मेरे जीवन में और मेरे परिवार में करे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यहाँ पे आए नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे हम लाए गए, नियुक्त किए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि हम बताएं उसके महान कार्य को और साक्षी दें उसके नाम की कि यीशु बचाता है, यीशु बचौंदा है। सारे बोलो आमीन। जीसस सेव्स। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ने जा रहा हूं, इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 और 7। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। सब बोलो आमीन। उसने यह कीता कि असी सच्चे मनो उसकी अति सुंदर दात दी, जो सानू उसके प्यारे पुत्र विच मिली है, वडियाई करिए। मसीह दे खून द्वारा ही साडे पाप माफ होए हन अते सानू मुक्ति मिली है। आमेन, आमेन। हालेलुया। जिस तरह से परम पावन जिंदा खुदा ने मेरे जीवन से समुंदर को, उस पाप की गर्त को दो भाग किया, वैसे आज वो आपको आजाद करेगा। सब बोलो आमेन। हालेलुया। आज वो आपको आजाद करेगा सारी आपकी बुरी परिस्थितियों से, आपको आजाद करेगा शैतान के सारी चंगुलों से, सारे बंधनों से, आपको आजाद करेगा सारे नशों से। हालेलुया, हालेलुया। वासनाएं व्यभिचार की आत्माओं से आपको आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में महान कार्य किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरा नाम सुशील कॉल्विन है, मैं अभी दिल्ली से आया हूं और मेरा जन्म यूपी के छोटे से गांव बिलासपुर में हुआ। वहां से पला बड़ा और मेरे पापा फौज में भर्ती हो गए। फौज में भर्ती होने के बाद हम पापा के साथ जहां पे उनकी पोस्टिंग होती थी हम वहां चले जाते थे। जहां पे भी उन्होंने जाना उसी जगह पे हमने पहुंचना। अगर राजस्थान में हो रही है, बंगाल में हो रही है, जहां पे भी उनकी पोस्टिंग होती थी हम उनके साथ साथ चलते थे। हमारी पूरी फैमिली, हमने उस गांव को छोड़ा नहीं। हमारी जमीन ज्यादा, दादा नाना सभी लोग उधर ही रहते हैं, लेकिन हमारा परिवार भर्ती होने के बाद हम उनके साथ उस जगहों पे जाने लग गए जहां जहां पे उनकी पोस्टिंग होती थी। हमें साथ में लेके चले, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता गया, बड़ा हुआ। मेरे पापा की पोस्टिंग NSG ब्लैक कैट कमांडो में हुई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो मानेसर में है, दिल्ली के अंदर गुड़गांव में। वहां पे मेरे पापा की पोस्टिंग हुई और वहां पर मैंने एक स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया, मार्शल आर्ट कराटे को। कराटे ज्वाइन करने के बाद प्रभु का अनुग्रह का हाथ मेरे सर के ऊपर आया। सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ईमानदारी और निर्दोष मन के साथ प्रभु की हजूरी में चलते हैं, जैसा उसने वचन में लिखा उसके जैसा ही कार्य करते हैं, सिर्फ ईसाई नहीं बल्कि एक मसीही होकर, एक विश्वासी होकर जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसका आशीर्वाद, उसकी आशीष हमारे सर के ऊपर बनी रहती है और हम जो भी काम करते हैं उसमें सफल होते हैं। हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन में कहा, स्तोत्र 1 में कहता, जो प्रभु की शिक्षा को सुनता और उसके ऊपर चलता है वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो ऐसे जल स्रोत के कोने में लगाया गया, जो समय पर फल देता है और वह मनुष्य जो भी करता है उसमें सफल होता है। हालेलुया। सफलता की कुंजी यह है कि उसकी शिक्षा का पालन करो। जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को सुनता और उसके ऊपर चलता है वह मनुष्य जो भी करता है उसमें वह कामयाब होता है। हालेलुया। जो लोग ना कामयाब हैं और उसके कामों में उनको सफलता नहीं मिलती, उसका कारण यह हो सकता है कि वो प्रभु की उस शिक्षा से दूर है, उस आज्ञाओं से दूर है, या वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह को, उस परमेश्वर को, जिंदा खुदा को पसंद नहीं, जो बाइबल में मना है। इस करके जिंदगी दे सफल होना चाहते हो तो शिक्षा सुनो तो उत्ते चलो। हालेलुया। यही सफलता की कुंजी आ, यही और राह आ जितों आप सफल हो सकने। हालेलुया। मार्शल आर्ट ज्वाइन किया, प्रभु का अनुग्रह का हाथ मेरे सर देते रहा, बढ़ता गया। प्रभु ने मेरे को बहुत ही स्पीड में, बहुत जल्दी से उन ऊंचाइयों पे पहुंचाया। 10 बार मैंने दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप खेली, 10 बार चैंपियन बना, 10 बार नेशनल खेली। प्रभु मेरे को यूरोप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए लेके गया, एशियन चाइना खेल के आया मैं, भारत गौरव पुरस्कार मिला, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेली, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया साउथ अफ्रीका जाके। इस तरह से उसने मेरे जीवन में काम किया। पर जब मैं निर्दोष था, जब मेरे जीवन में कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो प्रभु को पसंद नहीं थी, तब ये सारा अनुग्रह मेरे सर के ऊपर था। हालेलुया। धीरे धीरे बढ़ता गया ऊंचाइयों में, नाम में, फेम कमाता गया, पैसा कमाता गया, सब कुछ जीवन में आया। साथ साथ में एक चीज और आई, घमंड। घमंड के साथ भरता गया क्योंकि वचनों से दूर होता गया, खेलता गया वचनों से दूर होता गया। मम्मी को देखता था सिर्फ प्रार्थना करते हुए, अपने भाई को, अपने परिवार को देखता था प्रार्थना करते हुए। मेरी मम्मी प्रार्थना करने वाली औरत, वो कहती है कि वो अपनी जवानी के दिनों से प्रार्थना करती आई है। एक दिन में उपवास करके 9-9 रोजरियां पढ़ने वाली वो औरत, जिसके कारण, जिसके दुआओं के कारण आज मैं आपके सामने अपने जीवन की गवाही दे रहा हूं। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति मैं आपको बताने जा रहा हूं। लूकस 18:27, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वे हमारे ईश्वर के लिए संभव है। ये वचन कैसे मेरे जीवन में पूरा हुआ बताने जा रहा हूं। हालेलुया। इस वचन का जिंदा साक्ष्य हूं मैं, इस वचन का जिंदा एग्जाम्पल हूं मैं। मैंने देखा यीशु जीवन को बदलने वाला ईश्वर है, ईश्वर है वो, सारे मनुष्य जाति को बचाने वाला ईश्वर है। यीशु बचाता है,
कैसे उसने मेरे जीवन को बचाया। और बढ़ता गया और एक दिन मेरे दोस्त के द्वारा मेरे जीवन में मैंने शैतान को मौका दिया। इफिसियों 4:27 में लिखा गया, शैतान को कभी मौका ना दो, शैतान को कभी मौका नहीं देना चाहिए। वो गलती मेरे को हुई, वो एक छोटा सा पैग लेके मेरे पास आया। मैं घंटा घंटा ट्रेनिंग करता था और अच्छे लेवल पर, लोग चार चार घंटे ट्रेनिंग करते थे लेकिन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए जब मैं एक एक घंटा ट्रेनिंग करके पहुंच जाता था। स्पीड थी मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, जो मेरे परमेश्वर ने मेरे को दी हुई थी। एक गुण मेरे अंदर था लड़ने का, फाइट करने का, एक अच्छा खिलाड़ी उसने मेरे को बनाया। आपको पता क्या हुआ, शैतान को मौका दिया, एक पैग उसके हाथ से लिया। उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसने मुझे पता क्या बोला था, उसने बोला ये एक पैग तू मार ला, जिथे तू एक घंटा ट्रेनिंग करना वा उथे तू 2-3 घंटे करेगा, जिथे तू 1 किलोमीटर दौड़ना वा उथे तू 4 किलोमीटर दौड़ के आएगा। नशा करके, शराब पीकर शैतान ऐसे मौके लेकर आता है। वो आपके सामने चोरियों के मौके लेके आएगा, वे विचार के मौके लेके आएगा और हर बुरी चीजों के मौके लेकर आएगा। शैतान को मौका नहीं देना चाहिए, ऐसा बाइबल बताती है। और वहां पे मैंने मौका दिया, वो आपको एक हाथ से मीठा दिखाएगा लेकिन दूसरे हाथ से जो जहर है वो आपको कभी नहीं बताएगा। वो एक हाथ से आपको थोड़ा सा मीठा खिलाएगा और दूसरे हाथ से आपके जीवन में जहर खोल देगा। जो आशीषें प्रभु ने आपके लिए रखी हैं वो आपके जीवन से, वो वन बाय वन करके आपसे जीवन से चुराता जाएगा। और तुम्हारे जीवन की शांति हो सकती है, तुम्हारे परिवार की शांति हो सकती है, तुम्हारा कारोबार हो सकता हुआ, तुम्हारी कामयाबी हो सकती है, तुम्हारी एजुकेशन के विच तुम्हारी कामयाबी हो सकती है, कुछ भी तुम्हारे जीवन के विच हो सकता हुआ। और तुम्हें गलत कामों के विच फसा के तुम्हारे उत्तों जिहड़ी आशीष है जिहड़ी एनोइंग छीन लेगा वो तुमसे। एक छोटा सा मीठा दिखाकर, एक छोटा सा मौका बखा के कि आ चीज बड़ी सोनी है, तो मैं उसके लालच में आया। मैंने सोचा जहां मैं 1 घंटा ट्रेनिंग करता हूं वहां मैं 2-3 घंटे करूंगा, इससे अच्छी बात क्या होती, और अच्छा रिजल्ट आएगा मेरी जिंदगी के विच। नशा किया, दौड़न गया, सब कुछ किया, 2-2-3-3 घंटे ट्रेनिंग की, जिस तरह उस बंदे ने किया उस तरह में होया मेरे नाल। लेकिन जेड़े 1 घंटा ट्रेनिंग करके जेड़ा रिजल्ट मेरी जिंदगी च आंदा सी, जो 1 घंटा ट्रेनिंग करके मेरी जिंदगी में जो रिजल्ट आता था वो 3-3-4-4 घंटे वो नहीं आता था। मैंने जाना 3-3-4-4 घंटे ट्रेनिंग करके और फिर जाके लड़ना, वहां पे जहां मैं गोल्ड जीतता था, फर्स्ट आंदा सी, सेकंड आउन लग गया, थर्ड आउन लग गया। एक दिन यह भी आया जो मैं खाली हाथ वापिस आया, तो मैं बड़ा दुखी होया, निराश हो गया मैं। जिधर जिंदगी दे विच शैतान नूं मौका दोगे उधर जिंदगी दे विच उदासी, निराशा, कलेश, ये सारियां चीजां एंटर करनगियां। हालेलुया। अगर इन्हां चीजां तो बचना चाहुंदे हो तो शैतान नूं कदी मौका ना दो। वचन दे विच लिखिया इस पृथ्वी दे विच किस तरह जीना वा, इसमें लिखा हुआ है कि हमें इस पृथ्वी पर कैसे जीना है। हालेलुया। और उसके बाद मैंने जब वो मौका दिया, धीरे धीरे करके वो शौकिया तौर पे किया हुआ नशा मेरी आदत बन गया। जब वो आदत बन गया तो सुबह दोपहर शाम मैं शराब पीनी, नशा करना, चेन स्मोकर बन गया, सिगरेट पीनिया, धीरे धीरे करके। सिर्फ एक मौका दिया, गुस्सा नहीं सी मेरे अंदर, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। कोई गुस्से करके मैं घर के क्लेश पाया, लड़ाई झगड़े किते, सब सारा बुरा काम किता। हौली हौली करके मैं उदासी च आने लग पिया, निराशा च आने लग पिया, क्योंकि रिजल्ट मेरी ट्रेनिंग का मैनू रिजल्ट नहीं मिलन दिया सी, ते मैनू पता नहीं सी कि मैं परमेश्वर की हजूरी तो अलग हो गया वा, मैं ओदे अनुग्रह के हाथ तो अलग हो गया वा। एक शैतान ने एक मौका दे के मैं वो द्वार खोलता, वो पाप का वा मैं द्वार खोलता वा, पर मैनू पता नहीं सी। जो तुहानू पता ही नहीं होएगा कि आ चीज पाप आ, आ चीज गलत आ, तो ओदा पछतावा किस तरह करोगे। इस करके बाइबल दे विच सब कुछ लिखिया कि पाप का बोध होना बहुत जरूरी है, ताकि तुसी पछताप कर सको, ताकि ऐसी पछताप कर सकिए। जब हमें पता ही नहीं कि ये चीज गलत है और ये हमने पाप किया है, तो हम उसका पछताप कैसे करें। अहीं सोचते रहने आ चीज सही है, कहने सानू गाल कटी आपा उत्तो वध उन्नू 2-3 गलां होर करतियां, पर तुहानू नहीं पता उन्ने ते गाल कटी पर वचन भुल गए। प्रभु ने कहा सहन कर, जेड़ा तेरी एक गल ते थप्पड़ मारे दूजा भी ओदे अगे कर दे। ये वचन भुल गए, तेनू दो होर ज्यादा गालां कढ़ियां ते वचन तो बाहर हो गए। जो ही वचन तो बाहर होए फिर आप खुद न्यायकर्ता बन गए, फिर साडे उत्ते सजा आई। हालेलुया।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬੋਧ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਗਿਆ खेलने के लिए रिजल्ट आना खत्म हो गया जीरो हो गया निराशा में पीना शुरू किया सुबह दोपहर शाम पीना शुरू किया और ऐसे करके बढ़ता गया और धीरे धीरे करके वो नशा मेरी आदत जो बनिया तो घर दे विच क्लेश आया मैं अपना नाम अपना फेम अपनी दौलत अपनी नौकरी सब कुछ गवाता सिर्फ एक मौका शैतान ने मेरे अंदरों कढ़िया सिर्फ एक मौका उन्हें दिता तो सारे उसके चंगल दे विच मैं फस गया सिर्फ एक मौका शैतान नु तुहाडी 100 कमजोरियां नहीं चाहिदी शैतान नु तुहाडी एक कमजोरी काफी आ सानू बर्बाद करन लई एक कमजोरी काफी आ ओ कमजोरी साडी चुगली करना हो सकदी आ नशा करना हो सकदा बीड़ी पीना सिगरेट पीना गुटखा खाना गाल कढ़नी घमंड करना ईर्षा करना किनू माफ ना करना हर वो पाप हर वो गलत गल जेड़ी बाइबल दे अंदर मना वा ओ साडी कमजोरी हो सकदा वा चर्च दे विच लेट होना पाप शराकत नहीं लेनी पाप स्वीकार नहीं करना कोई भी एक मौका उन्हें चाहिए बस बर्बाद करने एक मौका बाइबल दे विच लिखा हुआ तुहाडे द्वार दे विच बैठा हुआ तुहाडे द्वार दे सामने बैठा हुआ तुहानू फाड़ खाण लई हालेलुया इस करके शैतान ने तुहाडी 100 कमजोरियां नहीं चाहिए एक कमजोरी काफी आ वो एक कमजोरी मेरी बनी हो नशा हो शराब वो कमजोरी दे नाल मैं अपने सब कुछ गवाता नौकरी इज्जत मान सम्मान फेम मैंने सब कुछ मिलिया सी एक एक लाख रुपए में कमांदा सी वो सब कुछ मैं गवाता क्यों क्योंकि नशा मेरा मैं नशे का आदि हो गया शराब पीने का आदि हो गया अपने दोस्तों के कोल जाना बस शराब पीनी उठे बह रहना और कितने नहीं जाना कोई नौकरी नहीं कोई कुछ नहीं सिर्फ एक मौका सिर्फ एक मौका हालेलुया इस करके सारे अपनी अखां नूं बंद करो कहो प्रभु यीशु मसीह असीं तैनूं मौका दिंदे हां हालेलुया शैतान दी योजना नूं कैंसल करने हां हालेलुया हालेलुया ओ एक मौके दे नाल मैं गवाता सब कुछ गवाता जीरो हो गया फिर अंत दे विच एक चीज थी मेरे को बस मेरी सेहत एक दिन मैं फाइट करने लग गया एरिना दे विच रिंग दे विच मैं किक कीती ते किक करने दे बाद मेरे एक बहुत सीवियर इंजरी हो गई बहुत जबरदस्त इंजरी जिन्हों कहते हैं एडक्टल लोंगस थिकनेस वो फुल टीयर हो गई पूरा हिस्सा ब्लड नाल भर गया पहले वो लाल होया फिर वो नीला होया फिर वो काला पै गया पूरा हिस्सा सुन हो गया डॉक्टर दे पास गया चल भी नहीं सकता सी मैं इतने मफरल बांध के मम्मी की चुन्नी बांध के हमेशा इंज करके रहिंदा सी किसी गड्डी दे उत्ते नहीं बह सकता सी लेटना भी है तभी मफरल बांध के चुन्नी बांध के लेटना सेहत भी गई मेरी आखिर तो बाद सेहत गई डॉक्टर ने आख्या तू कभी नहीं खेल सकता हुण तू कभी नहीं खेल पाएगा दो साल तेन रेस्ट करनी पैनी उसके बाद तेरा ऑपरेशन होएगा उसके बाद तू खेल नहीं सकता हुण जिहड़ी तेरी स्पोर्ट तेरी जिंदगी आ वह तेरे हाथ चुक चल गई है सेहत दे करके वेखो एक मौका दिता ते मेरी जिंदगी जिन्होंने मैं सबसे ज्यादा प्यार करता सी मेरी स्पोर्ट्स ओ मेरी जिंदगी तो उस शैतान ने खोली सब कुछ चला गया शून्य हो गया जीरो हो गया एक दिन मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था मम्मी ने और मेरे भाई ने अगले दिन इसी पंजाब इसी धरती पर कन्वेंशन के लिए आना था प्रेयर मीटिंग के लिए आना था और मैं लेटा हुआ था मैंने सोचा ये दोनों जाएंगे मैं तो कहीं जा नहीं सकता ये दोनों जाएंगे पिछले मैं सुसाइड करांगा मैं मरांगा मैं सब कुछ तैयार कर लिया सी सारा कुछ मैं पूरा प्लान बना लिया सी उदो बाद मम्मी और मेरा भरा प्रभु ने उन्होंने वो बुद्धि दी वो सामर्थ दिता प्रेयर वाले कमरे तो बाहर आए जैसे ही वो बाहर आए वो मेरे पास बैठे और वो आकर आंसुओं के साथ मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि हम तुझे कल प्रेयर मीटिंग में लेके जाना चाहते हैं मैंने कहा कि कहाँ कहते कि पंजाब मैंने कहा कि क्यों कहते कि जो जो चीज़ें तूने गवा दी वो तुझे ठीक कर देगा तेरी सेहत तेनों दे देगा सब कुछ तेनों दे देगा यीशु मसीह मैंने कहा मेरे पास सब कुछ था नाम पैसा नौकरी सब कुछ था मेरे पास सेहत और मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ गवा दिया एवरीथिंग आई लॉस्ट सब कुछ चला गया मेरी जिंदगी दे विच क्या यीशु मसीह को तब दिखाई नहीं दिया मैं बचपन तो रोमन कैथलिक फैमिली दे विच पैदा होया रोमन कैथलिक फैमिली दे विच ही रहा मम्मी पापा उसी फैमिली दे विच वधदे गए सारी शिक्षा मेरे को वही मिली सब कुछ मिला लेकिन मैंने मम्मी को कहा कि क्या यीशु मसीह हमारा खुदा नहीं है क्या उसको दिखाई नहीं देता पर आप बोल गया कि मैं अपने बुरे चरित्र दे करके और तो अलग हो गया वहां शैतान नु एक मौका देकर मैं अपने जीवन नु प्रभु यीशु मसीह दे अनुग्रह तो अलग कर लिया वा
मैं उससे अलग हो गया हूं उसके अनुग्रह से, ये मैं भूल गया और दोष लगा रहा था परम पिता को कि क्या क्या उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने मम्मी को कहा ये जो सेहत मेरी चले गई है, इतना बुरी मेरे को चोट लग गई है, डॉक्टर ने मेरे को कहा है कि तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तू कभी नहीं खेल सकता, क्या ये सेहत, क्या ये वो प्रभु यीशु मसीह मुझे दे सकता है? मैं अपना नाम, अपना फेम, अपनी इज्जत, अपना पैसा, सब कुछ मैं गवाता कि ओ यीशु मसीह मेनू दे देगा। मम्मी रोई, आंसू बहाया और पता क्या बोली, हाँ दे सकता वा। लूकस 18:27 जेड़ियां गल्ला मनुख ली असंभव ने और साडे ईश्वर ली प्रभु यीशु मसीह ली संभव ने। सारे बोलो आमीन, हालेलुया। ऐसे करके बोली मेरी मम्मी मेरे को और मम्मी रोने लग गई और मैं भी रोया। मैंने कहा मैंने अपने सब कुछ गवाया मम्मी, अपनी सेहत, अपना पैसा, अपना नाम, मैं जीरो हो गया, सब कुछ मेरा, सब कुछ चला गया, अब मैंने कौन दे सकता हुआ, और मैं मरना चाहना, मैं जीना नहीं चाहता। मम्मी रोई और बोली तू साडे नाल चल, तू विश्वास नहीं करता, साडे विश्वास करके तू चल, प्रभु यीशु मसीह तेन चंगा करेगा। इस करके वो मारिया गया, गाड़े गया और तीजे दिन मुर्तों से जिंदा उठा, ते जिंदा हो इस करके होया कि ओदी प्रजा बचाई जाए। हालेलुया। इस करके वो जिंदा होया ताकि आप बुरी परिस्थितियों से आजाद हो जाइए, नशे तो आजाद हो जाइए। इस करके वो मारिया गया, गाड़े गया, ते तीजे दिन जिंदा होया। वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं, जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। और मम्मी रोई और आंसुओं नूं वेख के मैं क्या, ठीक है मम्मी तू जैसे कहती है वैसे मैं करूंगा, टिकट कराओ मैं जाऊंगा। और मैं अपनी मम्मी दे नाल इत्थे आया ते अगले दिन आपां कन्वेंशन से जाना सी, जैसे आप लोग बैठे हुए वैसे मैं भी बैठा हुआ था। और ये वही दिन थे, वही परमेश्वर ने जिसने मेरे जीवन को बदला, आज आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन मेरा था, आज आपका दिन है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो आपको आजाद करेगा बुरी परिस्थितियों से, नशों से, व्यभिचार से, आपके भाई, आपके बेटे, आपकी बहन को। हालेलुया, हालेलुया। आज वो तुहानू बचाएगा, तुहाडे जीवन नू, तुहाडे जीवन को बुरी परिस्थितियों से आजाद करेगा आज प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जितनों के कानों में आज ये आवाज जा रही है वो सारे सुनन, प्रभु यीशु तुहानू बचाउण लई आया। हालेलुया। जैसे मैंने कन्वेंशन में उस प्रार्थना भवन में पैर रखा, मैं कुछ नहीं करता था अपने जीवन में, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं, कभी स्टेज पर जाकर, स्कूल की स्टेज पर जाकर कभी मैं कुछ एक शब्द नहीं बोले सी, ना इतनी शर्म सी मेरे अंदर, मैं कभी कुछ नहीं बोल सकता सी, मैनू बड़ी शर्म आती सी लोगों के सामने जाना। लेकिन जो परमेश्वर अपने सामर्थ नाल भरदा वा उदो तुहाडे अंदर, हाडे अंदर बोल्डनेस हुंदी आ, सामर्थ हुंदा वा, विश्वास हुंदा वा कि मैं वेख्या वा, ते इस करके मैं उहदी साक्षी दे सकना वा। हालेलुया। एंटर किया वहां पे और देखा प्रभु की हजूरी को महसूस किया मेरे जीवन में। और आपको पता है वर्शिप स्टार्ट हुई, आराधना शुरू हुई। जिस तरह आराधना शुरू, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन से आख्या मैं तुहाडी स्तुति आराधना दे विच उपस्थित हाँ। हालेलुया। अज लोकी वर्शिप नूं मिस कर देने ने, वर्शिप स्तुति आराधना नूं मिस कर देने, कहिंदे ने ओह गाने चलन देने जदों वचन दा प्रचार होएगा उदों आपां जावांगे। नहीं, अपनी आत्मा नूं तैयार करन लई, अपनी आत्मा दे विच वचन नूं ग्रहण करन लई वर्शिप नूं अटेंड करना बहुत जरूरी आ, बहुत जरूरी आ। वर्शिपर दे नाल वर्शिप करना, प्रभु कहिंदा आत्मा ते सच्चाई दे नाल मेरी आराधना करन वालों नूं मैं लब्भण दिया वा। हालेलुया। इस करके आत्मा दे सच्चाई दे नाल उहदी आराधना करो, स्तुति करो, अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा नूं तैयार करो ताकि वचन जो आप सुनो वो आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, वो वचन आपके जीवन से खाली ना जाए, कोई बैरी बदसूरत आपके जीवन से उस वचन को चुरा ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा वहां पे, आपको पता है पहला चमत्कार मेरे जीवन में क्या हुआ, उसके अंदर एंटर करते ही, स्तुति आराधना करते ही मेरी जो चोट थी, ये जो पेन था मेरा, ये जो दर्द थी, जेरे डॉक्टर ने आखी सी तू कदी नहीं खेल सकता, ये कदी नहीं ठीक हो सकती, 2 साल तेनू रेस्ट करना पड़ना, तीजे साल आके तेरा ऑपरेशन होएगा, एक गल उस डॉक्टर दी सी
उस मनुष्य ली सी। उस मनुष्य के बुरे शब्द मायने नहीं रखते, मनुख दे बुरे शब्द मायने नहीं रखते, ओदे श्राप मायने नहीं रखते, माने ए रख दवा साडे प्रभु यीशु मसीह ने साडे वचन दे विच साडे लई की आख्या। हालेलुया। ते उन्हें आख्या कि मेरे कोड़े खान दे करके तुसी चंगे हो चुके हो। सारे जोर दी बोलो आमीन। हालेलुया। एंटर किया, आराधना की, पहली हीलिंग हुई, पहला चमत्कार में वेख्या पूरा ठीक हो गया, वो नॉर्मल हो गई, वो जगह जिहड़ी काली पै गई थी सुन्न हो गई सी। मैं कभी इंज पैर क्रॉस करके चौंगड़ी मार के कहिंदे ने उस तरह मैं कभी बह नहीं सकता सी। मेरा पूरा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा पूरा बैकग्राउंड पंजाबी फैमिली से ही है, इसलिए मैं थोड़ी बहुत पंजाबी बोल पाता हूँ। हमारा परिवार पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है, हमारी जो लैंग्वेज है मदर टंग वो पंजाबी है, मम्मी और पापा पंजाबी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बाहर रहते थे इसलिए हम लोग का जो पकड़ है वो हिंदी के ऊपर ज़्यादा है। हालेलुया। ए प्रभु ने शक्ति सामर्थ दिता, मैं कभी पंजाबी पंजाबी नहीं बोली, कभी पंजाबी से प्रचार नहीं किया, लेकिन प्रभु की सामर्थ था कि वह मैनू शब्द देता वा। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं बोल सकां, लोगों को बता सकां। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वहां पे ये शुरू हुई, पहला चमत्कार होया, मैं हील होया, तो मैं थले बहना तो उठना वो सब कुछ मेरे को पॉसिबल हो गया। तो मैं समझ गया इतने कोई ना कोई ऐसी ताकत है जड़ा वो काम कर सकती है जी मैं मम्मी ने कही सी, जड़ी गल असंभव ने वो इतने संभव हो सकने, मेरा पहला विश्वास होया। तो वचन शुरू होया, वचन का प्रचार शुरू होया, वचन प्रभु ने अपने वचन में कहा कि जब भी उसने अपने लोगों को आजाद किया, अपने वचन को भेजकर आजाद किया। हालेलुया। हालेलुया। आज जो आप वचन सुन रहे हो वो आपकी आजादी के लिए है, दुष्ट आत्माओं से आजादी के लिए, नशों से आजादी के लिए, हर उस बुरी परिस्थिति से आजादी के लिए, कर्जों से आजादी के लिए, आपके बुरे बंधनों से आजाद करने के लिए आपके लिए सामने ये वचन बोला जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता आपको क्या हुआ? फिर वहां पे वो वचन मेरे जीवन में आया, ते मैं जानिया समझिया कि परमेश्वर की गलती नहीं आ, ए मेरी गलती आ, ए मेरा बुरा चरित्र थी, ये मेरा बुरा चरित्र था, ये मैं निर्दोष नहीं था उसकी नजर में, इस करके मेरे जीवन दे विच मैं शैतान नु मौका दिता, ते मेरे जीवन दे विचों मैं सब कुछ, अपनी एनॉइंटिंग, अपना ग्रेस, अपना रुतबा, अपना नाम, अपनी नौकरी, अपना पैसा, अपना सब कुछ मैं वन बाई वन करके गवाता। ये वचन तो मेरे को बोध होया कि वो जड़िया गल्ला मैं जड़े काम मैं किते ने वो सारे प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ सी। हालेलुया। मेरे को उत्थे पता चला, जैसे आप लोग आज बैठे हुए हैं आपको पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर तू मेरे वचन को सुनकर उसके जैसा आचरण करेगा तो मैं तेरे जीवन में आशीषों के द्वार खोल दूंगा, मैं आकाश के झोरों के खोल दूंगा और तेरे पर आशीषों की बरसात कर दूंगा, तुझे कर्जों से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, बीमारी से, रोगों से, बुरे बंधनों से आजाद कर दूंगा। सब बोलो आमीन। बस एक काम करना वा, बस एक काम, अपने चरित्र नू, अपने मन नू प्रभु यीशु मसीह दे सामने निर्दोष करना वा, बस एक काम करना वा, ओदी शिक्षा नू सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि ओदे उत्ते चढ़ने वाला बनना वा। हालेलुया। हालेलुया। बस एक काम करके असि कामयाब हो सकने हैं, सिर्फ एक काम करके असि बंधनों तो आजाद हो सकने हैं, सिर्फ एक काम करके असि सक्सेसफुल हो सकने हैं, सिर्फ एक काम करके आप स्वर्ग राज्य दे विच प्रवेश कर सकने हैं। हालेलुया। ते वो काम की आ, यीशु मसीह की शिक्षा नु सुनना ते ओदे उत्ते चलना, बस। हालेलुया। ते फिर पता कौन आएगा? फिर शैतान आएगा, बैरी आएगा। ते प्रभु यीशु मसीह कहता जेड़ा अंत तक धीर बना रहेगा, जो अंत तक दृढ़ बना रहेगा वो आजाद होगा। हालेलुया। उसे उसे धार्मिकता का मुकुट प्राप्त होगा। हालेलुया। परीक्षाएं आएंगी, दुख संकट आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन जो अंत तक धीर बना रहेगा, जेड़ा डावाडोल नहीं होएगा, जेड़ा यदि शिक्षा तो पार नहीं जाएगा, प्रभु दे वचन तो काम नहीं होया, ते फट जल्दी रिजल्ट चाहिए तो जब बाबिया कोल चढ़ गया, ओ कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब ओ होएगा जरा धीर बना रहेगा, दृढ़ बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दे विच। तुहानू लगदा जब मैं वहां बैठा था प्रभु का आशीर्वाद, मैं पछताया, घुटने टेके, छाती पीटी, मैंने पछताप किया वचन सुन के, मैंने ज्ञान होया, बोध होया कि मैं गलत काम किते ने, ते मैं प्रभु यीशु मसीह को माफी मंगी। मैं क्या प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन दे विच लिखिया तेरे पाप चाहे सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान, बर्फ के समान सफेद कर दूंगा, हे पिता इस वचन से मेरे जीवन में काम कर। आपको पता क्या हुआ? वन बाय वन मैंने अपने शरीर से काले रंग के धुएं के रूप में अपने शरीर से उन आत्माओं को निकलते हुए देखा, अपनी आंखों से
नशे की आत्मा को निकलते हुए देखा, व्यभिचार और सारी बुरी आत्मा को, मैंने अपनी गाली देने की आत्मा, गुस्से की आत्मा, झूठ बोलना, धोखा देना, ऐसे हर पाप की आत्मा को निकलते हुए मैंने देखा। उसके बाद मैं नीचे आ गया घुटनों पे और मैंने सफेद धुएं के रूप में अपने अंदर एक आत्मा को प्रवेश करते हुए देखा। हालेलुया। तो मैं एकदम मैं ठंडा हो गया, हल्का हो गया। तो मैं रो रहा था, घुटनों पे था, छाती पीट रहा था, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके प्रेम को महसूस कर रहा था कि वो एक पापी को कितना प्यार कर सकता है। और उसने हम पापियों के लिए, वो सारी मनुष्य जाति का खुदा है, वो ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति के, उसने जान दी सारी मनुष्य जाति के पापों को, अपने शरीर के ऊपर धारण किया, क्रूस के ऊपर चढ़ गया और लहू का कतरा कतरा बहाया। वो एक या दो जने ने नहीं, एक जाति ने नहीं, पूरी मनुष्य जाति का खुदा हुआ, पूरी मनुष्य जाति ने बचाण लियो, मरिया ते तीजे दिन मुर्दों में जी उठा। तो उन्हें आख्या, जिन्हें भी लोग मेरे नाद उत्ते विश्वास करेंगे उन्होंने कभी लज्जित, उन्होंने कभी शर्मिंदा नहीं होना पाएगा। सारे जोर दी बोलो आमीन। हालेलुया। जीवन च होया मेरे, तो जब मैं घुटने च आया तो मैंने माफी मंगी, पछताप किया। आपको पता क्या हुआ? प्रभु का हाथ मैंने महसूस किया और उसने कहा, मेरे बेटे मैंने तेरे खून जैसे लाल पापों को क्षमा कर दिया है, मैंने उन्हें साफ कर दिया है, जा अब कभी पाप ना करना। मैंने कहा, पिता मेरे जैसे कई नौजवान और ऐसे हैं जो इन्हीं पापों में पड़े हुए, जिनको पता नहीं कि नशा करना पाप है, गाली देना पाप है, हर वो काम करना, धोखा देना, झूठ बोलना और हर वे विचार, हर ऐसे काम करना पाप है। पिता मुझे नियुक्त कर, मैनू शिफा दे, मैनू आशीष दे, ताकि मैं तेरे नाम की साक्षी, तेरे वचन का प्रचार कर सका। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन के अभाव के करके मैं पाप करता सी, वचन के अभाव के करके। तो फिर मैंने क्या किया? फिर प्रभु ने मेरे को नियुक्त किया। उस दिन मेरा प्लान ये था कि मैं जाके नशा करूंगा फिर से पंजाब में आकर, पर उस दिन वहां से निकला। जैसे ही बाहर आया, पहली बार अपनी जिंदगी में प्रार्थना करना शुरू किया। मेरी मौसी का घर है यहाँ पे अमृतसर में, उनके घर में हम ठहरे हुए थे, उनके घर में मैं गया। मेरे उनका लड़का पंजाब पुलिस में, उसको मैंने बोला था, वो अभी भी यहीं पे उनकी ड्यूटी है, मैंने उनको बोला था कि आप मेरे लिए शराब वगैरह का इंतजाम करना, जब मैं आऊंगा तो फिर मैं आके फिर आप दूंगा, खावांगे पीवांगे। तो उसने सब कुछ इंतजाम कर रखा था, उन्होंने आके मैंने आख्या कि आजा सब कुछ तैयार है। मैं क्या कि कहते चलो आओ पीने, मैंने कहा मैं ऑलरेडी नशे च आ, तो वो समझ गया केड़े नशे च आ। हालेलुया। मैं आख्या मैं पवित्र आत्मा दे नशे च आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप स्वीकार के कारण हम शुद्ध किए जाते हैं। जब हमें मौका मिले ना पाप स्वीकार करने का, तो जरूर जाएं। ये मौका इतनी जल्दी नहीं मिलता पाप स्वीकार का। जो भी तुम मौका मिले पाप स्वीकार करन दा, ते जड़े प्रभु ने नियुक्त किए ने अपने अधिकारी अपने फादर सिस्टर के रूप दे विच, उन्हें दे सामने जाके प्रभु यीशु मसीह दे कोलो माफी मंगो। हालेलुया। ते प्रभु यीशु मसीह जिन्ने मेनू माफ किया, मेनू आजाद किया पापा तो, और तानू भी आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सारे वाली सेम खुदावा, सेम परमेश्वर, सेम ईश्वर, सबको सेम प्यार करने वाला, सबको सेम सिफाएं देने वाला, सबको आपको उनको आशीर्वाद देने वाला है। वो एकमात्र जिंदा खुदा सबके लिए बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। जे ओए एक एक सुशील नु बचा के खड़ा कर सकदा वा, ते ओए तू आज होर लखा करोड़ा सुशील खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रचार ली, अपने आराधना करन ली, ओए तू होर सुशील खड़े करेगा, और शैतान दे सारे कम्मा नु माफ करन ली, आजाद करन ली, ओए तू सुशील होर खड़े करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आपको पता मैं वहां से निकला और सबसे पहले मैंने उसी उन्हीं के घर पे प्रार्थना की। फिर वहां से निकला, जो जो चीजें मेरे जीवन से चली गई थी, जो जो चीजें मैंने गवा दी थी, आपको पता है अद्भुत रीति से मैंने किसी से मांगा नहीं, सब कुछ मुझे वापस मिला वन बाय वन करके। मेरी नौकरी मुझे मिल गई, मेरा गोल्डन बैच मेरे को मिल गया, मेरे को भारत गौरव पुरस्कार दिया गया। और जिस डॉक्टर ने यह कहा था तू कभी खेल नहीं सकता, वो 19 नवंबर 2017 को मेरे को प्रभु ने छुआ और आजाद किया। आपको पता है 2018 में मैंने ट्रायल दिया, मैं खेला, सिलेक्ट होया था, मैं कॉमनवेल्थ साउथ अफ्रीका खेल के आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस डॉक्टर ने कहा था तू कभी नहीं खेल सकता, इस करके मैं कहना हर बार मनुष्य दे बुरे शब्द मायने नहीं रखते, मायने ये रखता साडे परमेश्वर ने वचन दे विच साडे लिए की आख्या वा। हालेलुया। बस जरूरी पता की आ, ओदे वचन नु सुनना ते ओदे ते चलना। प्रभु कहंदे धार्मिक ओ मन्ने जाणगे जेड़े मेरी शिक्षा नु सुनदे नहीं बल्कि सुन के ओदे ते चलदे ने,
ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਏ। ਮੈਂ ਰੋਤਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਆਗ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਯੇਸ਼ੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮੁਝੇ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯੇਸ਼ੂ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਬਦਲਾ, ਵੋ ਆਪਕੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਵੋ ਆਪਕੋ ਵੀ ਬੁਰੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਿਸਤਰ ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗਾ, ਰੋਮੀਓ 10:11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਥਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਿਆ ਬੜਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋੜਿਆ ਐਨੋਇੰਟਡ ਫਾਦਰ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਲੀਪੀਓ ਅਧਿਆਇ 3 ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੂੰ। किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं ये चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुखभोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। सारे जोर दी बोलो आमीन, आमीन। सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ, सारी दौलत, नौकरी, पैसा, रुतबा, नाम, फिर सिलेक्ट होके साउथ अफ्रीका खेल के आया प्रभु यीशु मसीह दे अनुग्रह दे करके, ओदे हाथ दे करके। प्यारे भाई और बहन मेरी बात सुनो, कभी देर नहीं हुई है। अगर आप कितने पाप में गर्त में क्यों ना हो, आज आप माफी मांगो, प्रभु यीशु मसीह आपको गले लगाएगा और क्षमा करेगा और तानु फिर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, फिर तानु खड़ा करेगा, वो फिर तानु उच्चे चुकेगा। बस उन्हें मौका दो एक। आपको पता है सब कुछ मुझे मिला और उसके बाद मेरे को जो सब कुछ मिले ना, मेरे को सब कुछ व्यर्थ लगने लग गया। सब कुछ ऐसे लगने लग गया कि ये मैं पैसा कमा के मैं क्या करूंगा। मेरे को 60,000 की नौकरी मिली, मेरा मन नहीं लग गया। मैं कहा मैं नहीं, मैं प्रचार करना वहां, मेरा मन नहीं लगता था। तो मेरे 60,000 की नौकरी मिली, मैंने उसको छोड़ा। नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब मिली, मैंने उसको छोड़ के आया। नेम फेम मिला और सब कुछ, कराटे के अंदर सब कुछ मेरे को दोबारा मिल रहा था। सब कुछ मैं दोबारा कर सकता सी, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के आया। पता क्यों? क्योंकि मैं हुण यीशु दा दीवाना हो गया सी। हालेलुया, मैं देखिया कि यीशु मसीह दा सब तो उच्चतम काम इस पृथ्वी दे उत्ते, सब तो उच्चा काम आया कि असि प्रभु यीशु मसीह दा काम करिए। ओ तो वध, ओ तो उच्चा काम कोई नहीं आ, कोई नहीं आ। हालेलुया, हालेलुया, जोर दी बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो सारी चीजें मेरे को, पैसा और वो सब, पैसा, नौकरी, सब कुछ मेरे को व्यर्थ लगने लग गया। आज लोग बोलते तेरे को क्या हो गया, मैंने कहा कि मैंने जान लिया, मुक्ति का रास्ता पहचान लिया, स्वर्ग जाने का राह मैंने जान लिया, मार सत्य और जीवन कौन है उसे मैंने पहचान लिया। कहते कौन है, मैंने कहा एकमात्र जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एकमात्र खुदा जो हमको आजाद करने का सामर्थ्य और शक्ति रखता है, जिसने मुझे आजाद किया, वो आपको आज आजाद करेगा, वो आपको आज बचाएगा, वो आपको आज दुष्ट आत्माएं और सारे बुरे बंधनों से आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ मेरे को मिला, सब कुछ व्यर्थ हुआ,
सब कुछ उसके बाद में प्रभु के साथ जुड़ा। और आज 5 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी महिमा जो मेरे जीवन में हुई उसकी गवाही मैं आपके सामने दे रहा हूं। सारे जोरदार ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह दिली, सिर्फ जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह दिली, ताली बजाओ जोर दी जोर दी जोर दी ओदी महिमा ली। हालेलुया रिहंतनबा रबबा खोला खारा बारा सकम खंतनबा दरिया रबनामा। हालेलुया सारे अपनी अखां नूं बंद करो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इन सब लोगों के लिए जिन्होंने भी इन वचनों को इस साक्षी को सुना है। हे पिता आप इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। बैर की शैतान की योजना इनके जीवन से इनके दिल दिमाग से इनके परिवारों से इस वचन को साक्षी को कभी ना चुरा पाए। सारे जोर दी बोलो प्रभु दी प्रजा आमेन। हालेलुया हालेलुया जिंदा खुदा तेरा लहू पापों का छुटकारा है, पापों का छुटकारा है, ये जीने का सहारा है, जीने का सहारा है। जिंदा खुदा तेरा लहू जिंदा खुदा तेरा लहू जिंदा खुदा तेरा खुदा तेरा लहू तिरंग तोड़ता है। जिंदा खुदा तेरा लहू तिरंग तोड़ता है, जिंदा खुदा सये तिरंग तोड़ता है, जिंदा खुदा तेरा लहू तिरंग तोड़ता है, जिंदा खुदा तेरा चिले खुदा तेरा लहू और ग्लोरी 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 तेरा लहू जिंदा खुदा तेरा लहू जिंदा खुदा तेरा लहू हालेलुया हालेलुया तेरा लहू हालेलुया खुदा जीवित लहू आज इस जगह पर बरसा दे, हर बंधन टूटे यीशु के लहू के सामर्थ्य से। तेरा जो निजात है मुक्ति है का अनुभव यहां पर उपस्थित हर एक के जीवन में इस वक्त प्रकट हो जाए। हाँ प्रभु हम ये घोषणा करते हैं केवल और केवल यीशु मसीह के लहू आपको हर पापों से मुक्त करेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया यीशु की महिमा इस जगह पर छा जाए। ये वचन सुनने वाले प्रत्येकों का जीवन आज पाप के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करे, आजाद किया जावे। हालेलुया हालेलुया जंजीरों को तोड़ता है जिंदा खुदा तेरा लहू। ग्लोरी ग्लोरी बोलिए दिल से खुदा तेरा लहू जादू टोने का बंधन नशे शराब का बंधन तोड़ता है हर पाप
जीवन को तोड़ता है जिंदा खुदा का बंधन भी तोड़ रहे हैं, हाथों का बंधन, कोई हाथ उठा नहीं सकता यीशु के लिए, सब उठाएं, आपका शोल्डर का दर्द प्रभु चंगा करेगा, आपका हाथ आज तक उठा नहीं, आओ हाथ भी उठेगा यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। तोड़ता है सिंधा खुदा प्रभु, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं, आप आपके पवित्र घावों को खुलने दीजिए, आमेन, द ब्लड ऑफ जीसस बी पोर आउट इन दिस प्लेस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, पोर आउट योर ब्लड अपॉन एवरीवन असेंबली, हालेलुया, तेरे लहू को बहने दीजिए, आमेन, तेरे लहू को बरसा दे प्रभु जी, आमेन, आपके लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया है, आमेन, एक बूंद लहु आज बहने दीजिए मेरे लिए, मेरे गांव को खुलने दीजिए, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, अगर आपका लहु मेरे जीवन में आएगा, हाँ सचमुच आपने मेरे लिए रक्त बहाया है, आज आपका लहु का सामर्थ्य निजात के रूप में, मुक्ति के रूप में, उद्धार के रूप में मेरे जीवन में आज कार्य करे, by the blood of Jesus, amen, by the word of Jesus, amen, hallelujah, hallelujah, वचन सुनने वाला सबके जीवन में आज आपकी निजात आ जाए, amen, मुक्ति आ जाए, amen, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, amen, आज इस घर में मुक्ति आई है, amen, hallelujah, 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 हालेलुया, सारे जोर से बोलो ना, हालेलुया, हालेलुया, पूरे अमृतसर जिला आपकी आवाज सुनना चाहिए, हालेलुया, यीशु का लहू आपको बचाता है, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जिनके दिल में उस निजात का महसूस हो रहा है कि यीशु मसीह ने अपने लहू द्वारा मुझे सारे पापों से मुक्त किया है, महसूस करने वाला बोले हालेलुया, 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 यीशु दी वडियाई होवे, सब बोले हालेलुया, 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 सब ऊंचे आवाज से हालेलुया, हालेलुया, ऊंचे सुर में हालेलुया, 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 मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों बच्चों, जैसे कल हमने देखा है उद्धार मुक्ति क्या है, यानी यीशु मुक्ति दाता है करके, आज मैं आपके सामने कुछ बात रखने वाला हूं, मैं एक छोटी सी घटना के साथ आज का प्रार्थना शुरू करूंगा। 2019 दिसंबर महीने का बड़ा दिन यानी क्रिसमस मनाने की तैयारी में कर रहा था, बिलासपुर में, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में बिलासपुर में सेवा कार्य कर रहा था, उन दिनों में भाई सुशील भी हमारे उधर था क्योंकि इनका गांव ही वही है। मेरी आदत रहा कि मैं 10:30 बजे या 11 बजे, कभी कभार उससे भी ज़्यादा देर करके सोया करता था, कभी कभार इंडियन आइडल और टीवी में जो या मोबाइल में जो प्रोग्राम आते उसको देखा करता था। ऐसे में हमारे ही टीम में भाई चांद है अजमेर से, उसने एक प्रचार का वीडियो मेरे को भेजा, बताया कि फादर इस वीडियो को थोड़ा सा देखो, सब बोले हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया। मैंने इस वीडियो को देखा, उस वीडियो में लिखा और बताया पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू के सामर्थ्य के बारे मैं आपको बताना चाहूंगा।
प्यारे भाई और बहनों, मेरी जिंदगी को वो प्रवचन बदल के रखा। मैं आपसे विनती करूंगा, आप सब अपना मोबाइल बंद करके रखिए, कृपया किसी के हाथ में मोबाइल ना हो। प्रवचन बात दिल में स्वीकार करो, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता क्या हुआ, मैंने क्या सुना मैं आपको बताऊंगा, और मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं बताना जा रहा हूं। क्या आप सुन रहे हो? जितने सुनने वाला है जरा सा हाथ ऊपर करिए, ऐसे हाथ हिला के दिखाइए, सब बोले हालेलुया। ध्यान से सुनिए, देखो यीशु मसीह का लहू वो किसी आम इंसान का लहू जैसा नहीं है। यीशु मसीह का लहू की सविशेषता क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस? यीशु का लहू किसी बछड़ा का नहीं, किसी बकरे का नहीं, किसी जानवर का नहीं, किसी इंसान का नहीं, किसी पापी का लहू नहीं, बल्कि ईश्वर का लहू है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये किसी भी एक नेक इंसान, एक अच्छे व्यक्ति हो, उसका लहू शायद कुछ लोगों के या अपने पापों का प्रायश्चित का काम आएगा, पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह का लहू हर एक के पापों से उनको बचाता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। स्पेशलिटी क्या है? क्योंकि वो खुदा का लहू है, यीशु का लहू ईश्वर का लहू है, क्योंकि यीशु ईश्वर है। सब बोले आमीन। यीशु, 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 सब बोलो यीशु। हाथ उठा के जब भी बोलेगा हाथ उठा के घोषणा करते रहो, आपके जीवन में जैसे बोलेगा ना, यीशु की निजात आएगा, मुक्ति आएगी। यीशु, यीशु ईश्वर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यीशु कौन है? ईश्वर है, और यीशु का लहू ईश्वर का लहू है। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कारण क्या है? पवित्र वचन बाइबल साफ कहता है यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, किसी आदमी और औरत के रिश्ते के द्वारा नहीं हुआ। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में, फरिश्ता आकर संत जोसेफ को कहते हैं मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, उसको अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करने में डरो मत। बोलिए आमीन। मरियम कैसे गर्भवती होगी? पवित्र आत्मा से। बोलिए आमीन। पाक रूदे राही। सो जब भी दुनिया में हम में से किसी को भी शक होता है, बोलता है इस बच्चे का बाप कौन है, आजकल साइंस में आपको पता डीएनए टेस्ट करवाता है, डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि इस बच्चे का पिता कौन है। तो यीशु मसीह का लहू का या यीशु मसीह का डीएनए टेस्ट करेगा, क्या पता चलेगा ये जोसेफ का नहीं, ये पवित्र रूह के सामर्थ्य से मां मरियम के गर्भ में आया है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु का लहू ईश्वर का लहू है, इसलिए ये एक दो जन का नहीं, समस्त मानव जाति के सारे के पाप के जो दाग से उनको शुद्ध करने का सामर्थ्य रखता है यीशु के लहू में। और सब बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए योहन का पहला पत्र, उसका पहला अध्याय सातवां वचन में हम पढ़ा था, कल भी देखा है, क्या है? उसका पुत्र यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ जीसस cleanses us from every sin. Hallelujah! 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 मान लो ये साबुन है, क्या है? साबुन, साबुन, सोप। मैंने यहां रखा साबुन, इधर रखा, मैं नजदीक खड़ा हूं,
ये मेरे को अपने आप साफ करेगा? बताओ ना, ये साबुन के पास जाकर मैं खड़ा रहूं, ये साबुन मेरे को अपने आप साफ करेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? मेरे को साबुन लेना पड़ेगा, पूरे शरीर में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि है ना, किसी ने एक बार सवाल किया, यीशु मसीह आया, 2000 साल पूरा हो गया, यीशु मसीह आया, उसका लहू बहाया पापों को खत्म करने के लिए, पापों से बचाने के लिए, फिर भी पाप संसार में क्यों, क्यों पाप संसार में है? सवाल का जवाब यही है, दुनिया में बहुत सारे प्रकार के साबुन होते हैं, फिर भी गंदगी तो है ना, हाया ना है, हालेलुया, हर बहुत प्रकार के, कई प्रकार के साबुन होते हैं, ब्रांड का साबुन होते हैं, लेकिन गंदगी तो भी बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा? साबुन का होने से कोई साफ नहीं होता, साबुन को अप्लाई करना पड़ेगा, अपने को शरीर पर लगाना होता है। मान लो आप साबुन के फैक्ट्री में काम करता है, यू आर वर्किंग इन ए सोप फैक्ट्री, फिर भी क्या फायदा है? जब तक आप साबुन अपने ऊपर ना लगाएं, जैसे मैं वचन सुन रहा था, मैंने क्या कर दिया पता है? मैं वचन सुनते ही, सुनो, वचन सुनते ही मैंने अपने ऊपर सिर से लेके पांव तक यीशु को लहू को लगा दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तो देर नहीं किया प्यारे भाई और बहनों, क्यों देर करना है? कभी कभार नाम सुनकर जाते हैं, लेकिन मैं सुनने का पता नहीं, पवित्र आत्मा ने मेरे साथ ऐसा किया, जैसे मैंने वचन सुना, मैंने तुरंत उसी वक्त मैंने क्या कर दिया, यीशु मसीह के लहू को सिर से लेके पांव तक लगा लिया। आप क्यों देर करते हो? लगाओ ना यीशु के लहू को सिर से लेके पांव तक, लगा के देखो, लगाओ, हाथ लगाओ, यीशु के लहू को लगाओ, सिर से लेके पांव तक लगाओ। हालेलुया, पांव तक लगाया, हालेलुया। पता क्या हुआ मेरे साथ? सुनो, दो चीज हुआ तुरंत, एक तो पापों का डर कि मैं आगे पाप करूंगा या नहीं करूं, या मेरे से पाप होगा नहीं होगा, कि शैतान मेरे सामने पाप करने के लिए कोई मौका लेकर आएगा तो मेरा क्या होगा, वो डर रहता था। अब मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, आप लोगों में से कई लोग पाप स्वीकार यानी इत्राव का सक्रमण ग्रहण करने वाला है, फिर भी डर लगता है कितने दिन में ऐसा रहूं। कोई मान लो जाकर बोल रहा है, फादर जी मैंने शराब पिया, मैंने पाप किया, आगे नहीं करूंगा, बोलते तो है, लेकिन किसी को गारंटी है? फादर पता नहीं आज शाम को कोई बुलाएगा तो मेरा क्या होगा, डर लगता है, आज कहीं पार्टी है, आज कहीं शादी है, तो पता नहीं मैं पीने से बच जाऊं या नहीं बच जाऊं, डर रहता है, डर रहता पाप करने का। पर मेरे अंदर से प्रभु ने वो डर दूर किया। फिर शैतान का डर रहता है, कौन नहीं डरता है शैतान से? थोड़ा अंधेरे का नाम लेगा तो आप डरेगा, एक चिपकली बीच में आएगा तो डरेगा, एक मेंढक घूमेगा, सांप को पूछो मत, कोई सांप बीच में आएगा तो इधर एक भी नहीं बैठेगा, सब भागेगा। तो शैतान का क्या है? शैतान की बात सुनते ही डरना लग जाता है। पर मेरा क्या हुआ पता है? एक बार मेरे ऊपर मैंने मसीह का, मेरे प्रभु का, मेरे जीसस का जिंदा लहू को लगाया, मेरे जीवन से हर पाप का, हर शैतान का डर दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा क्या हुआ पता है? मेरा, मेरे अंदर यह विश्वास आया, अब शैतान तो, शैतान तो मेरे से डरता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तो मुझसे डरता है, पाप मुझसे डरता है, क्यों? मेरे ऊपर मैंने मसीह का लहू लगा रखा है। पता क्या हुआ? लेवी का ग्रंथ, लेविया उसका 8वां उदा 23 असि पढ़ते हाँ, असि वचन सुनेंगे। मूसा ने उस छतरे नु कट के हाँ, उसका थोड़ा जिहा लहू हरून दे सज्जे कन दी पापड़ी अते उस दे सज्जे हाथ अते पैर दे अंगूठियां उते लाया। सज्जे हाथ और पैर के अंगूठे दे विच लगा लिया। बोले हालेलुया, हालेलुया।
मूसा ने एक बछड़े को एक मेमने को वध किया, उसका रक्त लेके हारून के कान के पपड़ी दाहिने हाथ के अंगूठा और पैर के अंगूठे में लगा लिया। अब नया विधान में कौन है मेमना? यीशु मसीह है ईश्वर का मेमना। यानी नए विधान में व्यवस्थान में हम क्या देखता है? यीशु मसीह का लहू को लेना है। तो मैं क्या कर दिया, मैंने जब सुना है ना, मैंने भी लगाया यीशु का लहू को लेकर मेरे कान में दाहिने हाथ सज्जे कान में लगा दिया, सज्जे हाथ के अंगूठे में लगा दिया, सज्जे पैर के यानी दाहिने पैर के अंगूठे में भी लगाया। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। ध्यान से, आपका नाम क्या है? आपका नाम आकाश, अमृतसर से। वेरी गुड भालू भाई। आकाश वचन सुनने के बाद घर जा रहा है, ठीक है जी। और कई गलियां हैं, कहीं कहीं लाइट भी नहीं है। तो मान लो आपने वचन सुना, सुनते ही क्या कर दिया, यीशु मसीह के लहू को अपने कान में लगा दिया, दाहिने हाथ के अंगूठे में लगा दिया, दाहिने पैर के अंगूठे में लगा दिया, और इसके बाद जा रहा है। कौन जा रहा है? आकाश। आकाश। और एक मकान के पीछे गली के कॉर्नर में एक बड़ा शैतान है, तीन छोटे शैतान है, मैंने शैतान के बड़ा बटालियन खड़ा है। बोले हालेलुया हालेलुया। एक बड़ा है और तीन कितने है? छोटे। तीन से छोटे। और छोटे ने बोला देखो 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 एक बंदा आ रहा है, हम उसको पकड़ेंगे। कौन? शैतान एक दूसरे को बोल रहा है। थोड़ा और नजदीक आया तो बड़े ने बोला छोटे देख वो आकाश आ रहा है, बंदगी बिच्चों आ रहा है, आकाश आ रहा है। और छोटे देख क्या हुआ, उसके दाहिने हाथ के दाहिने कान के जो पपड़ी दे देख क्या है, यीशु का लहू लगा रहा है, यीशु का लहू लगा रखा है उसने। उसके दाहिने अंगूठे को देख, उसके पैर के अंगूठे को देख। और बुलाते तीनों को, बुलाए इधर आ, क्या है? अनजाने में भी, अनजाने में भी उसको टच नहीं करना, छूना नहीं। अगर तुम उसको टच करोगे, एकदम स्वर्ग के फरिश्तों के मंडली तुझ पर टूट पड़ेगा और तेरा सत्यनाश होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको क्या लगता है, वो क्या पावर है यीशु के लहू में, क्या शक्ति है? एक बार आपने यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगा लिया ना, ना तो नरक ना तो शैतान कुछ भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बोले हालेलुया हालेलुया। मेरे अंदर इतना पावर आया, मेरे अंदर इतने शक्ति आया। मैं आपको बताता हूं, इतराफ करता है, पाप स्वीकार करता है, फिर भी मेरा डर कभी खत्म नहीं हुआ था पाप का, शैतान का। एक नुस दिन खत्म हो गया जिस दिन मैंने यीशु मसीह के लहू को मेरे ऊपर लगाया, क्योंकि उसने उसने मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरी नजात के लिए, मेरा उद्धार के लिए, मेरी मुक्ति के लिए अपना कीमती लहू बहाया है। उसके अपने लहू से मेरे को उसने मुक्त कराया है। सब बोले हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने स्वीकार लिया, मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने अपना लिया। क्या आपको भी अपनाने का मन करता है? आप भी पाप का डर से दूर रहना चाहते हो? आप लोग भी पाप के डर से दूर होना चाहते हो? आप क्या आप भी शैतान के डर से दूर होना चाहते हो? तो लगाओ ना यीशु का लहू, यू यू और यू। शैतान आएगा पाप को लेकर, गाली देने का मौका मिलेगा, गलत चीज देखने का मौका मिलेगा, चोरी करने के लिए मन में विचार आएगा, गाली देने का विचार आएगा, शराब पीने का मन आएगा, तो क्या करना पड़ेगा? कोई दोस्त बोलेगा अरे यार आ जाओ यार थोड़ा सा करके जाते हैं, तू तो थक गया। और बोलेगा आज पार्टी यार, यार का शादी है थोड़ा ले ले, तो क्या बोलना है? यू यू और यू। यीशु का लहू एक बार देखा है ना, कोई शैतान आपको छू ना पाएगा। बोलिए आमीन आमीन।
सब बोले हालेलुया। तो मेरे जीवन में क्या हुआ, मैं वचन सुनते सुनते रात 2-2.5 बजे तक वचन सुनने लग गया और सवेरे 4-5 बजे उठ के चर्च जाता था। मैं मेरा जो दिसंबर 25 उसके बाद जो मिस्सा हुआ है 2-2.5 घंटे का मिस्सा हुआ, पर एक चीज मैं आपको बताऊं, इतने सारे चिन्ह तथा चमत्कार मैंने कभी मिस्सा बलिदान में देखा नहीं। बोले बोलिए आमीन। इतना सारा चिन्ह तथा चमत्कार मैंने देखा है। मैं सवेरे उठकर क्या करता था, जब नहा भी लेता था मैं साबुन अप्लाई करता, मैं साबुन नहीं अप्लाई कर रहा हूं, यीशु मसीह का लहू को लहू में नहा रहा हूं, यीशु मसीह के लहू में नहा रहा हूं। हालेलुया। शैतान मेरा क्या बिगाड़ेगा, पाप मेरा क्या करेगा। तब तक मेरा डर रहता था, तब तक मेरा डर रहता था क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गया, मेरे अंदर खेल देखने का क्रिकेट देखने का ये सब मनोभाव था, लेकिन प्रभु ने पता नहीं कैसे दूर किया वो चीजों को। वचन में मेरा मन इतना लग गया, प्रभु का वचन मेरे जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहूंगा आपके जीवन में भी आज यही उद्धार मिल सकता है, पर आज आपको यीशु मसीह को मौका देना होगा, उसके लहू को अपने ऊपर लगाना होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ। तो आपका जीवन आज अब से लेकर हमेशा के लिए बदल जाएगा। बोलिए आमीन। मेरी जो बात सुन रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, टीवी से हो, मोबाइल से हो, यूट्यूब से हो, चाहे मेरी आवाज अपने घर पे बैठकर सुन रहा हो, याद रखिए एक बार मौका देखो, एक बार मौका दे दो यीशु मसीह को। गिव ए सिंगल चांस टू जीसस एंड ही विल ट्रांसफॉर्म इट फॉरएवर एंड फॉरएवर एंड फॉरएवर। से आमीन। हालेलुया। हाथों में लहरा कर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं जैसा सोचता है वैसा नहीं यीशु का लहू। यीशु के लहू की शक्ति को जानो, यीशु के लहू की शक्ति को जानो, वो आपकी जिंदगी को बदल कर रखेगा। दुनिया का कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी साबुन, कोई भी ऐसी चीज है आपके जिंदगी के पापों के दागों से आपको बचा नहीं सकता। कोई व्यभिचार करता, कोई हत्या करता है तो क्या फर्क है, उसका बोझ कौन निकालेगा। कौन से नदी में नहाने से, कौन से तालाब में नहाने से, कौन सा पाउडर लगाने से, कौन सा परफ्यूम लगाने से आपको उस पाप के अंधकार से बचाएगा, वो पाप के असर से बचाएगा। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू आपको बचाएगा। सब बोले आमीन। इसलिए मेरे को प्रभु ने उस समय 2020 में 2020 शुरुआत में एक मिशन दिया, प्रभु ने एक मिशन दिया जाकर दुनिया के कोने कोने में प्रचार करने के लिए। वैसे तो मैं इतने सालों से प्रचार करते आया हूं, 1993 से करिश्माई नवीकरण में आया हूं और प्रभु ने मेरे को हिंदुस्तान के कोने कोने में लेकर गया, पर 2020 में प्रभु ने एक मिशन मेरे को दे दिया। उस मिशन का नाम है जीसस सेव्स, यीशु बचाता है। हालेलुया। दुनिया को बोलने के लिए, मैंने कल आपसे कहा मेरे को कोरोना और डेंगू से प्रभु ने बचाया निर्गमन 9:16 के वचन के द्वारा। उस समय भी प्रभु ने एक ही बात बताया था, मैंने प्रभु से एक ही बात बोला, जीने का कोई वजह है तुम्हें, तो मैंने यही कहा था प्रभु मेरे को बोलना है सबको क्या है, यीशु बचाता है। हमारा YouTube चैनल का नाम भी हमने इसलिए रखा है जीसस सेव्स, जीसस सेव्स। पूरे आज अमृतसर सुनने दे, यीशु बचाता है। हालेलुया हालेलुया। पूरे पंजाब सुनने दे, यीशु बचाता है। हालेलुया हालेलुया। पूरे हिंदुस्तान को सुनने दे, यीशु बचाता है। हालेलुया हालेलुया। पूरे वर्ल्ड को ये बात कान में लग जाए कि यीशु बचाता है, यीशु बचाता है, यीशु बचाता है। हालेलुया हालेलुया। कैसे बचाता है, अपने लहू द्वारा बचाता है, अपने लहू द्वारा। लहू के बगैर न शिफा ना न जात है। सुना है नहीं सुना है, तो अब सुनो। लहू के बगैर ना
शिफा नाना जात है, तोबा के साथ ये तो मुफ्त स्वगात है। लेगू के बगैर ना शिफा नाना जात है, क्या है? लेगू के बगैर ना शिफा नाना जात है। हालेलुया हालेलुया, दिल से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। लहू के बगैर कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनो, एक बात तो मेरे मन में आ रहा है, दुनिया के सभी धर्म जितने भी पुराने धर्म जो है एक बात बताते हैं, अगर ईश्वर से आपका रिश्ता बिगड़ गया, ईश्वर नाराज हो गए, ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल करते हैं, तो यज्ञ होम बलि चढ़ाना होता है। किस प्रकार का? जानवरों का रक्त बहाया करता था, चाहे यहूदी धर्म हो चाहे किसी भी प्रकार के धर्म हो, सब जगह पर पशु पक्षियों का रक्त चढ़ाया करता था ताकि ईश्वर की नाराजगी दूर हो जाए। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है, किसी बछड़े का, बकरे का और किसी जानवरों का लहू से आपका और मेरा उद्धार कभी नहीं होगा, हो नहीं सकता। इसलिए ईश्वर इंसान बना, क्योंकि रक्त में जीवन है। वही लेवी का ग्रंथ में पढ़ते हैं 16 और 17 अध्याय में, लहू में जीवन है, देयर इज लाइफ इन द ब्लड, लहू में जीवन है। इसलिए रक्त छिड़कता है बलि वेदी पर और सभी लोगों के ऊपर। इसराइली लोग क्या करते थे, दो मेमने को चुनता था, लेवी का अध्याय 16 में पढ़ते हैं, दो मेमने को चुनकर एक को काटकर उसका लहू सबके ऊपर छिड़कता था, दूसरे को उसके ऊपर पुरोहित हाथ रखे, सारे इसराइल के पाप उस मेमने के ऊपर लगा लगता था और उस मेमने को मरुभूमि में निर्जन प्रदेश में छोड़ देते था, कोई जंगली जानवर उनको खा लेते थे और बोलते थे, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेकर जाने वाला। जब नया विधान में आया, प्रभु यीशु ने यह काम किया, क्यों? क्योंकि किसी इंसान ने, कोई पापी दूसरे पापी को बचा नहीं सकता, कोई जानवर का लहू किसी को बचा नहीं सकता, इसलिए एक निर्दोष, एक निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह संसार में आया और उसने अपने कीमती रक्त बहाकर आपका और मेरा उद्धार किया है। सब बोले हालेलुया 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 हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखना, लहू के बहाए बिना कभी पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानियों 9:22 में हमने कल पढ़ा है, रक्त बहाए बिना, खून बहाए बिना पापों की माफी नहीं होती है। बोलिए आमीन। तो इसलिए जानवरों के लहू से नहीं, अपने अति कीमतवान लहू के द्वारा, अति कीमतवान लहू के द्वारा यीशु मसीह ने आपका और मेरा उद्धार किया है। मैंने कल कहा ना, पाप भीतर से निकलता है, पाप तो भीतर से निकलता है। मार्कुस 7:20 में पढ़ते हैं, मार्कुस 7:20 में, पाप तो भीतर से है तो लहू भी भीतर में है। इसलिए यीशु के लहू हमारे जीवन में, आपके लहू में एक हो जाएगा, आप और मैं पापों से माफी प्राप्त करेगा। सब बोले आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो एक बार किसी ने पूछा कि मेरे घर में बहुत सारे तंत्र मंत्र जादू टोना चलता है, आपकी बात सुनकर मेरे को विश्वास हुआ, यीशु मसीह ने मेरे पापों को धो डाला, मुझे उद्धार किया, मेरा उद्धार किया, मेरे को आज क्षमा मिल गया, पर मैं अपने घर जब जाता हूं, मेरे घर में सब प्रकार के मंत्र तंत्र जादू टोना चलता है, 2 मिनट में उन लोग मेरे को वापस वही कर लेता है जो मैं पहले था। पता क्या हुआ? हाँ, अब ध्यान से सुनना है जी, कोई चंद्रमा में जा सकता है क्या? बताओ ना, चंद्रमा जो है, मून कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। कभी कोई गया? यस, हाँ कभी कोई गया, यस बच्चों को पता है।
हम लोगों ने भी पिछले दो साल पहले चंद्रयान का है ना सैटेलाइट को भेजने का कोशिश किया, कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं आगे कामयाब हो जाए। पता क्या है, चंद्रमा में जा चुके हैं इंसान। आपने जो भी कहा ना बिल्कुल सही है, ना भी सही है हा भी सही है। जैसे बैठे हैं ना हम लोग, जैसे बैठे हैं वैसे जा सकता है कोई? नहीं। अगर आपको स्पेस में जाना है, अंतरिक्ष में जाना है, मून चंद्रमा में जाना है, आपको स्पेस सूट पड़ता है। वो जो आपने देखा होगा ना हेलमेट जैसा रखे, पूरा सिर से लेके पाँव तक एक ही सूट होता है, देखा आपने? शाबाश। पता है उसका क्या सविशेषता है? उसके अंदर है ना ऑक्सीजन है और धरती का वातावरण है। किस चीज का वातावरण है? धरती का। इसके साथ आप जा सकता है, उसके बिना जा नहीं सकता। इसी तरह आप यीशु मसीह के लहू का सूट बन लो, यीशु मसीह के लहू का सूट बनवाओ, और उस सूट बनने के बाद नरक में लूसीफर के अड्डे में भी जा सकता है, आपका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। बोले आमेन। हालेलुया। मंदिर तंत्र से सभी डरता है, कुछ भी होते तो लोग बोलते हैं फादर जी किसी ने कुछ किया है, ओए किसी ने कुछ किया है। पंजाबी में किस तरह बोलते होंगे, किता है किता है, किसी ने कुछ किता है। हाँ फादर जी किसी ने कुछ मतलब डाल दिया है हमारे घर पे, पता नहीं कोई खून देखा, कोई ये देखा वो देखा, किसी का कपड़ा किसी ने काट के लेकर गया, पता है क्या क्या चीजें होता है? पता है मैं पूरे जगह पर घूमता रहता हूँ, राजस्थान में मैंने देखा है चौकों पर क्या है, मड़का, मड़का है ना, मड़का मड़का बोलते हैं, मटका जो बना के उसमें पता नहीं कुछ करके रखते हैं, कोई नजर ना लगाने के लिए करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सब लोग डरते यार, कोई बिल्ली रास्ता काट लिया बस गया मामला। हाँ, बहुत कुछ चलता है पंजाब में भी चलता है क्या? प्रार्थना के लिए भी बैठता है, हर प्रकार के अंधविश्वास को भी दिल में रखता है। डर बहुत बड़ी चीज है जी। पता है कि डर क्या होता है? शैतान अपना राज्य चलाने वाला चीज होता है डर। ईश्वर अपना राज्य चलाता है प्यार से, इसलिए कहता है प्यार किया तो डरना क्या। दुनिया वाला भी कहता है प्यार किया तो डरना क्या, क्योंकि प्रभु का वचन योहन्ना का पहला पत्र 4 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, परिपूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है, परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर्स। प्यार और डर साथ साथ नहीं चलता है, प्यार और डर साथ साथ नहीं चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने 366 बार 366 टाइम पर बाइबल में लिखा है डरो मत। क्या बताया? डरो मत, मैं तुम्हारे नाल हां, है ना। मैं क्यों डरा, गाते हैं ना आप लोग? नहीं गाते हैं? मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हाँ, मैं क्यों डरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दिल से बोल हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते डरिए नहीं, प्रभु कहते डरिए नहीं, क्योंकि डर शैतान अपने राज्य चलाने का साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। मंत्र तंत्रों से जादू टोने से आप डरते हैं, आपने एक बार यीशु का लहू लगा रखा है फिर आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब बोले आमेन। आमेन। आपने लगाया यीशु के लहू को लगाया क्या, या और कन्वेंशन के लिए इंतजार करेगा? अभी लगाओ ना, लगा लिया फिर तो बिंदास जाओ, कोई किसी का असर नहीं होता है, क्योंकि है ना यीशु के लहू जैसा और कोई चीज नहीं है। आपको मैं एक सच बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो, पवित्र वचन जो है, पवित्र वचन के द्वारा शैतान भगाया जा सकता है फिर भी वापस आएगा। बाइबल में लिखा है निश्चित समय पर वापस आने के लिए वो चला गया। क्या वो पता क्या हुआ? सूली के नीचे, सलीब के नीचे, क्रूस के नीचे शैतान हमेशा हमेशा के लिए
पराजित हुआ। हालेलुया हालेलुया। पर ध्यान से सुनना है, फर्क है, फर्क यही है, सलीब पहनकर भी लोग शराब पीते हैं, सलीब पहनकर भी लोग गंदा काम करता है, पर याद रखो वो यीशु मसीह का सलीब नहीं है, वो यीशु मसीह का सलीब नहीं है। यीशु के साथ साथ दो डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया था। वो लोग शराब पीता है, झगड़ा करता है, गाली देता है, चोरी करता है, पाप करता है, व्यभिचार करता है, सलीब पहनकर, वो यीशु मसीह का सलीब को नहीं पहना है, वो डाकुओं का सलीब पहन के खड़ा है, क्योंकि डाकुओं के मृत्यु से ना तो किसी का नजात हुआ, ना तो किसी को कृपा मिला, बट यीशु मसीह के सलीब से कृपा और जीवन बह निकला है। बोले हालेलुया हालेलुया। द ग्रेस एंड लाइफ केम आउट ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस। उस सलीब के नीचे शैतान हमेशा के लिए पराजित हुआ है। कुलुसियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय 15वां वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने सारे शैतान के बंद पत्रों को सलीब पर ठोक डाला, वो शैतान को अपदस्थ किया, अपमानित किया और कुचल डाला। बोले हालेलुया। तीन बात है जी, अपदस्थ करना, पद से हटाया, अपमानित किया, बेइज्जती किया और कुचला, कुचल डाला है सलीब के द्वारा। बोले आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सलीब के नीचे शैतान हमेशा के लिए हार गया, और यानी उसके रक्त बहाने के द्वारा। बोले आमेन हालेलुया। इस बात पर जो विश्वास करेगा उससे उद्धार मिलेगा। बोले आमेन। क्या आप विश्वास करते हो? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने सलीब मौत के द्वारा मेरे पापों से मुझे बचाया? दोनों हाथ उठाओ ना, मेरे तो एक हाथ उठाया है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। तो आज आप उद्धार पाके जाएगा। आप शराब को देखकर डरने की जरूरत नहीं, फादर जी मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपको चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपका ईश्वर ने आपको बचाया है। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, इससे बढ़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। यीशु के लहू कहीं भी लगाए, एक बार लगा लिया ना, इस पूरे जगह पर हमने लगा कर आया है। एक एक व्यक्ति याद रखना, एक बार यीशु का लहू लगाया उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं। फिर भी कोई लोग बोलते हैं फादर जी दुआ करो, नहीं नहीं नहीं, आपने अगर यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाया तो आपको किसी भी चीज़ से ना तो मृत्यु, ना तो शैतान, ना तो किसी भी प्रकार का बंधन आपको कुछ नहीं कर पाएगा। बोलिए आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिल से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। ये विश्वास करने की बात होता है, विश्वास करने की बात है। जब विश्वास करेगा लहू का सामर्थ्य आपको समझ में आएगा। बोलिए आमेन आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास करके देखो प्यारे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी बदलेगा। नहीं तो है ना, तब तक ऐसा लगता था कि क्या है ये, इतनी बड़ी मुश्किल की बात है। मैं एक और चीज आपसे बताना चाहूंगा, इसको बता के समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिए। मैंने कल बोला था मैं इसके बारे बताऊंगा करके, लहू के बारे भी, और एक और चीज बताना चाहूंगा, वो क्या है, मुक्ति। मैंने मुक्तिदाता के बारे बताया, मुक्ति क्या है, पापों की माफी है। मुक्ति क्या है, पापों की माफी है। बोलिए आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। एफेसियों का 1:7 में हमने कल भी पढ़ा था, उसके रक्त द्वारा हमें पापों की माफी मिली है। बोलिए आमेन हालेलुया हालेलुया। कुलुसियों 1:14 में भी लिखा है, उसका पुत्र यीशु के लहू द्वारा हमें, हमारा उद्धार हुआ है। बोलिए आमेन हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अगर यीशु मसीह अपना रक्त नहीं बहाया होता, आज भी हम लोग पाप में रहता। अगर यीशु मसीह अपना रक्त नहीं बहाया होता, आज भी हम अपने पापों में रहता। यीशु के रक्त बहाने के द्वारा आपको आजादी मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। अभी क्या करना है, बस विश्वास करो, विश्वास करने से ये मुक्ति आपको मिल जाएंगे। बोलिए आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब मुक्ति क्या है, क्या आपको मुक्ति मिल गई है?
Have you received the salvation? मुक्ति हो गया? कितने लोगों को लगता है मेरा मुक्ति हो गया है, उद्धार हो गया? झूठ नहीं बोलने का। मुक्ति का मतलब क्या है? हाथ नीचे करो। दूसरा सवाल के बाद में हाथ देखना चाहूंगा, तो भाई लोग ध्यान से सुनो, बहने भी जरा सा हाथ ऊपर करके बैठो, मैं देखूंगा कितने हाथ ऊपर है। हाँ, पूरा उठेंगे नहीं उठेंगे अभी देखेंगे। बोले हालेलुया। ध्यान से सुनो कि आज भी आप पाप करते हो, कि आज भी आप पाप करते हो, कोई बोलते नहीं कि आज भी आप पाप करते हो। अच्छा, झूठ बोलते हो? कम से कम सच बोल अभी, क्या झूठ बोलते हो? हाँ जी, बाकी मैं पूछता नहीं, सारे पाप करता रहता है। सुनो, जो पाप करता है उसका मुक्ति अभी तक हुआ नहीं, हुआ नहीं है। जो पाप करता है अब तक वो पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है। जो पाप करता है वो गुलामी में है, रहता है, दास्ता में रहते हैं। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। मुक्ति का मतलब है पापों से आपका बचाव हो चुका है, बचा लिया यीशु ने, यीशु ने मुझे बचा लिया है। पहले शराब पीता था, अब नहीं पीता। पहले बाइबल नहीं पढ़ता, अभी बाइबल पढ़ता है। पहले नशा करता था, अब नशा नहीं करता। पहले झगड़ा लड़ाई रोज चलता था, अब झगड़ा लड़ाई नहीं, घर पे प्रार्थना चलता है। इसको कहता है मुक्ति, इसको कहता है मुक्ति। बेटा सुशील ने बताया अपने जीवन के द्वारा, 10 times नेशनल चैंपियन है सुशील, जो अपना गवाही दे रहा था कराटे में। कॉमनवेल्थ एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप सब खेल चुके हैं, इंडिया के खिलाड़ी है। पर वो अपने जिंदगी में कई प्रकार के गंदगी में फंस गया था, लेकिन क्या है, यीशु मसीह ने उसको बचाया। बोले हालेलुया। एक बार उसने छोड़ा, आज तक प्रभु ने उसको बचा कर रखा है, उसके तरफ वापस गया नहीं। उनके पास पैसा था, सब कुछ था, रोज लाख लाख रुपया इकट्ठा करता था, फ्लाइट टिकट मिलता था, 5-star होटल में उनका रहने को मिलता था। अभी बेचारा को तो क्या है, कुछ भी करना है तो मेरे से कभी पूछते हैं फादर जी हो जाएगा कुछ, क्योंकि इसका कोई टेंशन नहीं है, मोह खत्म हो गया। शराब तो मिलने में कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने बचा लिया। अगर आज तक अब पाप में हो, आपका उद्धार हुआ नहीं है, आपकी मुक्ति हुआ नहीं, झूठ बोलते हो, झगड़ा करते हो, जुगली करते हो, चोरी करते हो, धोखा करते हो, घमंड रखते हो, व्यभिचार करते हो, हर प्रकार के पाप में रहते हो, फिर भी कहते हैं उद्धार हुआ, हुआ नहीं है। उद्धार का मतलब पाप को आपके साथ कोई मतलब नहीं है, पाप से आजाद हो गया है, पाप से मुक्त हो गया है, मुक्ति मिली है। ये किसमें कैसे मिला? यीशु के लहू के द्वारा। क्या आपको मेरी बात समझ में आए तो हाथ उठा के दिखाओ, अगर समझ में आए तो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ताली बजाए फिर जोरदार से। बोले हालेलुया। हालेलुया। अब मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, क्या आपका उद्धार हुआ है? नहीं जी। क्यों? आज भी पाप करते हो, उद्धार हुआ नहीं है। याद रखो, पाप से आजादी, उसको बोलते हैं मुक्ति। बोले आमेन। मुक्ति का मतलब पापों की माफी। मैं बताऊंगा ये मुक्ति क्या होता है। बोले आमेन। मेरे तरफ देखो, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, 3 उदाहरण बताऊंगा। मैं हर जगह पर बोलता हूं, आपको भी एक बार बोलता हूं, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनो, पहला उदाहरण मुक्ति क्या है। मुक्ति क्या है? आप गाड़ी चलाते हो? गाड़ी चलाते हो आप? मोटरसाइकिल चलाते हैं? साइकिल भी नहीं चलाते हैं? कितने लोग चलाते हैं गाड़ी? कितने लोग गाड़ी में बैठते हैं, मोटरसाइकिल में बैठते हैं? आज तक नहीं बैठा है। मोटरसाइकिल में बैठते हैं हाथ उठाओ, शाबाश। गाड़ी में बैठा है हाथ उठाओ, शाबाश। तो हाथ नीचे करो तो समझ में आता है। गाड़ी चलाने वाले का टेंशन होता है, सामने गाड़ी आ रहे,
साइड में आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, इस सब का टेंशन, इसका ध्यान रखना किसकी बात है? चलाने वाले की। मान लो कार चला रहे हैं, क्या चला रहे जी? कार। ड्राइवर के बगल में एक सीट होता है ना, उसके सामने एक शीशा वगैरह होता है, वो शेड होता है, वो उसमें क्या है, बाल वगैरह बना सकते हैं, बहने तो लिपस्टिक लगा सकते हैं, वो फोन कर सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, सो सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर ड्राइवर ये सब कर सकता है क्या? कर सकता है जी, लेकिन दोनों ऊपर जाएगा। ड्राइवर फोन करना शुरू करेगा, लिपस्टिक लगाना शुरू करेगा और सो जाएगा तो हमेशा के लिए सो जाएगा। मतलब ड्राइवर के बगल में बैठने वाला चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, फोन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकता है। आई मेरी बात समझ? सही टाइम पर जगह पर पहुंचाना, सही टाइम पर पहुंचाना, रास्ते में गड्ढा है, स्पीड ब्रेक है, ब्रेक लगाएं, एक्सीलेटर लगाएं, गाड़ी को संभालें, ये सब किसका काम है? बगल में जो बैठता है उसका कोई टेंशन है? सामने से गाड़ी आ रहे हैं, कुछ लोग बैठ रहे वैसे ही ब्रेक लगाते हैं मगर गाड़ी चलाने वाला का टेंशन होता है वो कैसे चलाए। कभी कभार बहने बच्चों के मम्मी लोग बैठे होंगे, जब आपका बेटा आपका लड़का जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप बोलते थोड़ा धीरे चलाओ यार, वो सुनता है कभी? वो क्या बोलते हैं, मम्मी आप पीछे कस के बैठ के पकड़ के बैठो, आपको टेंशन नहीं, मैं चला रहा हूं ना। अरे सही से बैठ, पकड़ के बैठ, मैं चला रहा हूं, क्या क्यों टेंशन ले रहा है? कभी स्पीड ब्रेक कम करता है? नहीं करता है। वो बोलते हैं आपको क्या टेंशन है, चलाता हूं मैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, मेरा उदाहरण तो समझ में आया ना, अब मैं क्या बात बताने जा रहा हूं सुनो। मुक्ति क्या है? गाड़ी चलाने के जैसा है। आज तक अगर पाप में हो, चलाने वाला कौन होता है? आप हो। शैतान से लड़ने वाला कौन हो? आप हो। पाप से लड़ने वाला कौन हो? आप हो। पर मुक्ति का मतलब क्या है? यीशु तो है घर पे, गाड़ी पर बैठा है, पर यीशु तो आराम कर रहा है, यीशु फोन कर रहा है, यीशु अपनी मर्जी ये बोलते हैं, फादर जी हम तो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नोवेना करता है, कन्वेंशन में जाता है, पाक शराख लेता है, इतराफ करता है, बाइबल पढ़ता है, फिर भी पाप करता है। आहो फादर जी मैं तो पिछले दिन भी इतराफ किया, फिर क्या हुआ? आज फिर से शराब पी लिया, आज फिर से गाली निकाला, आज फिर से व्यभिचार किया। क्यों? क्योंकि गाड़ी चला रहे हो आप, शैतान से लड़ रहे हो आप, पापों से लड़ रहे हो आप, शराब पीने का नहीं पीने का कोशिश करते हो और पूरी तरह से फेल हो जाते हो। मैं आपको कहता हूं, आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कोशिश करो, जब तक यीशु नहीं छुड़ाएगा, कोई शराब से आपको छुड़ाएगा नहीं। बोलिए आमीन। आमीन। धमकी देने से, पुलिस से पिटवाने से कोई शराब छोड़ेगा? कोई शराब नहीं छोड़ेगा। बोले कोई शराब? बोलेगा हिम्मत है तो छुड़वा के दिखा, बोलेगा वो डबल पी के आएगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। पर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, मुक्ति का मतलब है आप है ना, गाड़ी रोको, उतरो, फिर बगल में जो यीशु बैठा है ना उसको बोलो, यीशु आप गाड़ी चलाओ। कौन चलाएगा गाड़ी? शैतान से कौन लड़ेगा? पापों से कौन लड़ेगा? पर आप कहां बैठेंगे? बगल में। फिर जो मर्जी करो ना, फोन करो, आराम करो, लिपस्टिक लगाओ, बाल बनाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ता है? कौन गाड़ी चलाएगा? इसको बोलता है उद्धार। उद्धार का मतलब, मुक्ति का मतलब, आज से लेकर शैतान से, पापों से, हर अंधकार की शक्तियों से यीशु लड़ेगा। आपको आराम हो गया, आपका उद्धार हो गया। अब से लेकर पाप आए, कुछ भी आए, आपको फिक्र नहीं, क्योंकि आपके लिए युद्ध आपका परमेश्वर करेगा। सब बोले आमीन। आमीन। इसलिए कल हमने गाया, डरो मत और चुपचाप खड़े हो और खुदा की निजात के काम देखो। हमने बोला निर्गमन 14:14, कूच दा ग्रंथ 14:14 विच असी पढ़िया है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो ये मुक्ति का एक उदाहरण मैंने कहा,
मुक्ति का मतलब क्या है? यीशु शैतान से लड़ेगा। मुक्ति का मतलब क्या है? यीशु पापों से लड़ेगा, आप नहीं। आप कोशिश करेगा, दो दिन रुकेगा, दो महीने रुकेगा, पर तीन महीने, तीसरा महीने से फिर शराब शुरू होगा, फिर व्यभिचार शुरू होगा, फिर गंदे चीज देखना शुरू करेगा, फिर गाली मुंह से निकलना शुरू करेगा। पर यीशु को एक बार मौका दे दो ना। यीशु ने मुझे बचा लिया, ड्राइविंग यीशु शुरू किया। और मुक्ति का मतलब, बस में जाते है कभी? बस में जाते है कभी? अरे बताओ ना। तो मान लो आप, आपका नाम क्या बेटा? नाम क्या है? अरमान। अच्छा, अरमान कौन सी क्लास में पढ़ता है? टेंथ में। अच्छा, पापा का नाम क्या है? पीटर। चलो पापा के साथ जा रहे हैं, अभी मान लो दिल्ली जा रहे हैं। अरमान कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। अरमान और इनके पापा दोनों दिल्ली जा रहा है, कहाँ जा रहा है? और सब बोलो कहाँ जा रहा है? बस में बैठा है। कहाँ बैठा है? और टिकट लेने के लिए आया कौन? कंडक्टर। कौन आया? वो टिकट 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 बोल के आया। तो अरमान को कंडक्टर को देख के डर लगने लगा है। तो अरमान के पास पैसा है, अरमान टिकट लेगा या पापा टिकट लेगा बताओ ना? अरमान लेगा। हाँ देखो, बच्चे सब बोलते पापा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा कितना भी बड़ा होता है तो बाप बोलेगा मैं बाप हूं, मैं टिकट लेता हूं। बच्चे को टिकट लेने का टेंशन है नहीं। बच्चे के लिए कौन टिकट लेगा? बाप। बाप बोले हालेलुया, हालेलुया। मान लो कंडक्टर शैतान है, मान लो कंडक्टर और पापा के जगह पर यीशु बैठा है। कौन बैठा है? यीशु। तो शैतान से कौन लड़ेगा? बस यही है मुक्ति। आपको टिकट लेना नहीं पड़ेगा, आपको शैतान का सामना नहीं करना पड़ेगा। शैतान बोलेगा पाप पाप पाप, गुस्सा कर, धोखा दे, झूठ बोले। शैतान मौका लेकर आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपके लिए टिकट कौन काटेगा? आपके लिए शैतान से कौन लड़ेगा? यीशु। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और एक उदाहरण बोलना चाहूंगा, सुनने का मन है तो हाथ उठा के दिखाओ। मैं और कुछ बोलूं? हाँ, बस ध्यान से सुनना, फटाफट मेरे को जवाब देना। कैसे देना? जोर से बोल, सभी बोलना, जवाब सभी को जवाब देना पड़ेगा। सभी लोग जवाब दोगे? फटाफट हाथ उठाओ, स्प्रिंग जैसे। अशाबाश, फटाफट जवाब दोगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुझे जैसे बोलता हूँ मेरे को वैसे जवाब देना। बड़े बच्चे सब बोले हालेलुया, हालेलुया। किसी ने एक मकान बनाया, क्या बनाया? मकान बनाया। फटाफट बोलना, क्या बनाया? मकान बनाया। दो मंजिल का मकान बनाया। कितने मंजिल का? दो मंजिल का। ऊपर पांच कमरा, नीचे पांच कमरा। कैसे? ऊपर पांच, नीचे पांच। ऊपर कितने? पांच। नीचे कितने? पांच। टोटल कितने? दस। टोटल कितने? रहने के लिए आया यीशु। रहने के लिए कौन आया? इस आदमी ने ऊपर वाला मंजिल में से सबसे बढ़िया कमरा यीशु को दे दिया। तो यीशु के पास कितने कमरा रह गया? यीशु के पास कितना है? एक। इस आदमी के पास कितना है? नौ। इसलिए हिसाब पक्का, बहुत जोर से बोलो, यीशु के पास एक, उस आदमी के पास नौ। अच्छा जी, यीशु सोने के लिए चला गया, आदमी भी सोने के लिए चला गया। दूसरे सवेरे, ध्यान से सुनो, अभी कोई उठना नहीं, ध्यान से सुनो। एकदम सवेरे कोई दरवाजा में ना ढुम 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 करके बहुत सारे आवाज। तो इस आदमी जाके ना दरवाजा खोल दिया, लोग खड़ा है। शैतान, शैतान कहता है मेरे को भी अंदर जाना है, मेरे को भी कमरा चाहिए। इस आदमी ने बोला नो कमरा, नो एंट्री। शैतान कहां छोड़ता है, उसके साथ पूरा लड़ाई हुआ, सब प्रकार के गाली गलौज झगड़ा लड़ाई अशांति शराब, वो पूरा दिन इस प्रकार चला। शाम होते ही इस आदमी ने क्या है, धक्का लगा के शैतान को बाहर कर दिया और कमरा बंद किया। खाने के टाइम पर यीशु आ गया, तो आदमी ने पूछा यीशु से, यीशु जी आप तो मेरे साथ रह रहे हैं, जब शैतान आया आप मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आया? यीशु ने बोला तूने मेरे को तो एक ही कमरा दिया, बाकी भी बहुत सारे कमरे हैं ना तुम्हारे पास। इस आदमी को बात समझ में आ गया, उसने बोला ऐसा करो जीसस, ऊपर के सारे कमरा आप ही रख लो, मैं नीचे रहता हूं। तो ऊपर कितने कमरे था?
तो कितने कमरे यीशु का हो गया? पांच। आदमी के पास कितना रह गया? पांच। उस दिन फिर सोने के लिए चला गया। एक दूसरे दिन और ढुम 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 दरवाजा खटखटा रहा है, कोई फाड़ रहा है। इस आदमी ने जाके ना थोड़ा सा खोला, तब तक शैतान ने एक पैर अंदर रखा था। बोले हालेलुया। उस दिन भी है ना, पहले दिन के जैसा पूरा झगड़ा, लड़ाई, व्यभिचार, हर प्रकार के पाप इसके साथ हो रहा है। जो सोचा था कोई पाप नहीं करेगा, लेकिन उस दिन और भी बहुत सारा पाप हुआ। शाम होते ही कैसे भी करके शैतान को उसने बाहर कर दिया, दरवाजा बंद किया। खाने पर यीशु आया। इस आदमी ने पूछा, जीसस, ये थोड़ा नाराज हो गया था, आपको तो मैंने पूरे ऊपर वाले कमरे दिए, पांच कमरे आपके पास थे, फिर भी आप मेरी मदद क्यों नहीं करे? जीसस ने बोला, और भी तुम्हारे पास कमरे है ना, और भी है ना तुम्हारे पास कमरे। आदमी को समझ में आया। आदमी ने कहा, देखो जीसस, बात ऐसे है, एक कमरा मैं रखता हूं, बाकी नौ आप ले लो। यीशु के पास कितना हो गया? नौ। आदमी के पास कितना हो गया? बात क्लियर है ना, बात साफ है। शाबाश। सोने के लिए गया। दूसरा दिन और आवाज, और शैतान से झगड़ा। पहले दो दिन से बढ़कर तीसरे दिन बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ इससे। लास्ट में कैसे भी करके इस आदमी ने शैतान को बाहर करके दरवाजा बंद किया। ध्यान से सुनना प्लीज। फिर क्या हुआ? रात को खाने पर आया यीशु। इस आदमी को थोड़ा गुस्सा भी आया। इसने बोला, जीसस, देखो तो मैंने आपको पूरे के पूरे नौ कमरा दे दिए, अब मेरे पास एक ही रह गया, फिर भी आप मेरी मदद क्यों नहीं की? जीसस ने कहा, देखो तुम्हारे पास और एक कमरा है ना। तब इस आदमी को समझ आया, देखो हर एक गंदगी, पाप, व्यभिचार, झगड़ा, लड़ाई, शराब, हत्या, ईश निंदा, घमंड, क्रोध, गुस्सा, सब कुछ उसने उसी कमरे में रखा था। उसको समझ में आ गया। उसने वो दसवां कमरा भी यीशु को दिया और यीशु को बोला, यीशु आप पूरा मकान ही ले लो, चाबी भी रख लो, मैं अभी किराएदार के रूप में रहूंगा, मालिक आप ही बन जाओ। उसने चाबी लेके यीशु को दे दिया और उसने एक कमरा ले लिया, उसमें रहने लग गया। दोनों सोने के लिए चला गया। दूसरा दिन, अगला दिन वैसे ही दरवाजा फाड़ने की आवाज। बंदा एकदम जाग गया, दरवाजा खोलने के लिए निकल पड़ा तो उसको याद आया कि मेरे पास चाबी, मेरे पास चाबी नहीं है। इतने में है ना, उसको यीशु के आने की आवाज आया, यीशु आ रहा है, धुम धुम धुम, यीशु आ रहा है। यीशु आया, चाबी ले लिया, लगा दिया, दरवाजा खोला। कौन सामने? कौन सामने? शैतान। यीशु को देख के क्या हुआ? शैतान तो एकदम गिर पड़ा मुंह के बल, बोला बोला, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। वो भाग गया, वो यीशु का सामना कर नहीं पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी भी बाकी है। सुनो, ये तीन दिन लगातार इस आदमी को शैतान आके तंग किया। यीशु वहां उनके साथ रहता था। आप लोग प्रार्थना करते, नोवेना करता, मिस्सा में जाता, हर प्रार्थना करते, फिर भी आपको यीशु क्यों नहीं बचाते? यीशु तो साथ ही रह रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं बचाते हैं? कारण क्या है पता है? क्यों यीशु इसकी मदद नहीं की? अरे तो मैं तो यहां पर मेहमान हूं ना, यहां पर कौन आना नहीं आना, कहां पर गाड़ी पार करना, मैंने आपको बोला है क्या? बताओ, नहीं। यहां पर कौन आपको बताता ये सब? यहां के फादर हैं। बोले आमेन। मैं तो मेहमान हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं, माइक तो मेरे पास है, उसके अलावा कोई हुक्म देने का पावर नहीं है, पर कुछ भी कहना है फादर पारिश्रिस जो है वो ही बताएगा, फादर इंचार्ज जो है वो ही बताएगा। इसी तरह जब तक चाबी नहीं है, यीशु कैसे लड़ेंगे भाई? मेहमान क्या बोलेगा? घर का मालिक बोलेगा।
जिस दिन दसवां कमरा दे दिया, यीशु को मालिक बना दिया, उस दिन क्या हुआ? यीशु का अधिकार आया उस परिवार में। सब बोले आमेन। आमेन। मुक्ति का मतलब यीशु दरवाजा खोलेगा, मुक्ति का मतलब यीशु शैतान से लड़ेगा, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। जब तक आप लड़ते हो आपका उद्धार हुआ नहीं, पाप आपके ऊपर राज्य करेगा, आप दास बन के रहेगा, पाप का दास, पाप का दास, शैतान का दास। पर जब यीशु मसीह पूरे परिवार का मकान का मालिक बनेगा, चाबी उसके पास रहेगा, वो खोलेगा, शैतान से यीशु लड़ेगा, आपको नहीं लड़ना पड़ेगा। बोलिए आमीन। क्या मेरी बात आपको समझ आ गया? नहीं समझ आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में? फिर जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की बढ़ियाई करें। क्या यीशु को दसवां कमरा देने तैयार हो? यीशु को चाबी देने तैयार हो? जी। फिर वो चलाएगा यार, फिर वो चलाएगा। फिर आपको पाप से डरने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको यीशु का लहू लगाना पड़ेगा। जो वचन आपने सुना है, इस वचन के अनुसार इसी वक्त उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, सल्वेशन के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, मुक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। क्या आप तैयार हो? तो खड़े हो जाएंगे सभी लोग। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम दे। जीसस, प्रभु कहता डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। चलो, मूसा लोगों से कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, तो फिर क्या देखोगे? खुदा की नजात के, खुदा की नजात के काम, खुदा की नजात के काम। हालेलुया, हालेलुया। पानी खड़ा हो गया, पानी खड़ा हो गया, सागर खड़े हो गया। यीशु मसीह के पांव जब उस धरती पर आ गया, तो याद रखना यीशु आपकी निजात का काम करेगा। प्रभु आपको कहते चुपचाप खड़े होकर देख, मैं तेरे लिए निजात का क्या काम करता है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, सबके हाथ ऊपर। खुदा की निजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। खुदा की निजात के काम देखो, खुदा की निजात के काम देखो, खुदा की निजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई मामूली चीज नहीं गा रहा है, कूचदा ग्रंथ 14:14 गा रहा है। सुनो ध्यान से, आज तक अगर आप परेशान हो ना पापों से, प्रभु कहता है बेटा बेटी आगे से परेशान ना हो, तेरे लिए मैं युद्ध करूंगा। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आकाश धरती का सृजनहार तू, हाथ ऊपर। आकाश धरती का सृजनहार, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी। सूरज चांद का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति
स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो चंगा करने वाला माफी देने वाला चंगा करने वाला हाथ ऊपर चंगा करने वाला माफी देने वाला चंगा करने वाला आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो सागर घुटने ठेके सारे घुटने ठेके यीशु तेरी आराधना स्तुति हो जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार 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 जय जयकार पिता तेरी जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार आत्मा तेरी जय जयकार तालियां जय जयकार आत्मा तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार हालेलुया 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 Hallelujah! 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 हालेलुया हालेलुया ऊंचे स्वर में हालेलुया हालेलुया ताली बजाकर हालेलुया 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 हाथ उठा के ताली बजा के हालेलुया 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 सारे बोले हालेलुया 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 मिलकर बोले हालेलुया 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 ताली बजाकर हालेलुया 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 ऊंचे स्वर में हालेलुया 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 मिलकर बोले हालेलुया 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 सारे बोले हालेलुया 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 बीमार बोले हालेलुया 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 गुंगा बोले हालेलुया 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 गुंगा बोले हालेलुया 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 अंधा बोले हालेलुया 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 रोगी बोले हालेलुया 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 बीमार बोले हालेलुया 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 पर्वत बोले हालेलुया 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 पहाड़ बोले हालेलुया 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 जंगल बोले हालेलुया 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 बच्चे बोले हालेलुया 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 बच्चे बोले हालेलुया 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 बड़े बोले हालेलुया 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 सारे बोले हालेलुया 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 शांति से बोले हालेलुया 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 ऊंचे स्वर में हालेलुया 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 सारे बोले हालेलुया 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 ग्लोरी 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 यीशु नासरी हालेलुया हालेलुया Yes, 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 y
तेरी जयकार हो, तेरी महिमा हो, सरललम बरर बाबा सरला, हालेलुया 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 सुदीकर 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 हालेलुया हालेलुया स्वर्ग धरा की ईश्वर तेरी सुधि हो महिमा हो आकाश और सृष्टि का आकाश और पृथ्वी का सृजनहार की सुधि हो महिमा हो हालेलुया यीशु के नाम पर बीमारियां दूर हो जाए यीशु के नाम पर अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए आज आसमान खुल जाए आज स्वर्ग खुल जाए यीशु के लहू बहने दे यीशु के लहू बहने दे यीशु के घाव को खुलने दे ओ हालेलुया स्तुति करते रहे ऊंचे स्वर में स्तुति करते रहे ऊंचे स्वर में स्तुति करते रहे सब कुछ चढ़ाकर स्तुति करे सारी शक्ति से स्तुति करे ताली बजा के स्तुति करे ऊंचे स्वर में स्तुति करे बंधन टूटे आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाए पवित्र परम प्रसाद में यीशु को देखिए सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा आकाश अते धरती का मालिक शब्द मात्र से सब कुछ बनाने वाला ईश्वर रोटी के रूप लेके आपके और मेरे बीच में हाजिर है आमेन हाथों को बढ़ाए प्रभु की ओर आराधना 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 हा प्रभु दूतों के संग संग संतों के संग संग सकल चराचर के साथ साथ हम आपकी स्तुति करते हैं आमेन आमेन इस वक्त दोनों हाथों को बढ़ाए प्रभु हालेलुया 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 दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति करते रहे यीशु की ओर देखिए एक बार यीशु को देखिए जो कोई यीशु को देखेगा वो प्रकाशित हो जाएगा उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा उसे निराश नहीं होना पड़ेगा यीशु तुम्हें बचाएगा प्रेमी पिता तेरी आराधना सर्वोच्च ईश्वर की आराधना प्रेमी पिता तेरी आराधना सर्वोच्च ईश्वर की आराधना आराधना आराधना
दोनों हाथों को सीने से लगाएं, आंखों को बंद करें, प्रभु की आराधना करें। जो आपके दिल में इस वक्त मौजूद है, आपको बचाने के लिए, आपको निजात देने के लिए यीशु आया है। आमेन। पापों के दलदल से आपको बाहर निकालने यीशु आया है। आमेन। शैतान की गुलामी से आपको हमेशा के लिए बचाने के लिए यीशु आया है। आमेन। उसके नाम में विश्वास करो, आपका उद्धार हो जाएगा। आमेन। आज तक आप पापों से लड़ लड़ के थक गए हो, कभी भी शैतान से जीत नहीं पाया, आप जीत पाएंगे भी नहीं, क्योंकि यीशु ने शैतान को पराजित किया। यीशु का सहारा लो, यीशु आपको जिताएगा। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मुफ्त में आपको मुक्ति दे रहा है। मुक्त में मुफ्ती दे रहा है। आमेन। यीशु आया है बचाने के लिए। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी की खोजने और बचाने आया है। बोलिए आमेन। आमेन। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूँ। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 बंदियों को मुक्ति देने, अंधों को दृष्टि देने और सबका उद्धार का और कृपा का वर्ष घोषित करने के लिए मैं आया हूँ। आमेन। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। आमेन। ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। आमेन। अंधों को दृष्टिदान का। आमेन। बंदियों को मुक्ति का। आमेन। और कृपा का वर्ष का घोषित करूं। आमेन। हाँ प्रभु जी, आप हमें बचाने आया है। आमेन। आपके पास मुक्ति है, आइए शीश झुकाकर उस मुक्तिदाता की आराधना करें। धन्यवाद करते हुए, मत्था टेकते हुए प्रभु की आराधना करें। जीसस, हालेलुया, 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 शरलल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 
आराधना 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 प्रभु जी आराधना आराधना प्रभु जी आराधना 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 प्रभु जी। आराम से इस वक्त हम सब खड़े हो जाएंगे, आराम से खड़े हो जाएंगे। प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए, जो हमारे उद्धार के लिए हमारे बीच में इस पवित्र सैक्रमेंट के रूप में आए हैं। और सब लोग एक बार फिर बोले, दिल से बोले, दोनों हाथों को जरा सा खुले रखिए और प्रभु को देखिए और प्रभु की महिमा करें। दूतों के संग संग आराधना, संतों के संग संग आराधना, दूतों के संग संग आराधना, संतों के संग संग आराधना, आराधना 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 प्रभु जी। वर्षित लो आराधना, सब बोले आराधना, सारे संगत बोले आराधना प्रभु जी। हाथों को लहराते हुए बोलिए आराधना, हमें आराधना आराधना प्रभु जी। सबके हाथों पर परमेश्वर के लिए आराधना, हमें आराधना
आराधना आराधना प्रभु जी आराधना आमेन आराधना आराधना प्रभु जी डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो हालेलुया 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 आप चाहते हैं ईश्वर का ये वचन यहाँ बुरा हो जाए हाँ जी बोले आमीन आमीन तो हाथ बढ़ा के बोले हालेलुया डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो बोलिए डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत खुदा की नजात के काम देखो बोलिए आमीन आमीन हालेलुया 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 आपको आपको बचाने के लिए आपके यीशु आ गया है भाई और बहनों जब मैं प्रार्थना कर रहा था आज प्रभु ने एक ही बात बताया तू कुछ भी नहीं करना जाके कुछ भी नहीं करना यहां पर सब कुछ फेल हो जाए बिजली चले जाए माइक नहीं वो लो संगत नहीं आए कुछ भी नहीं हो पाए चिंता मत करना मैंने इनको भी बोला इसलिए मेरे एक गवाह है ये तीनों मेरे भाई खड़े हैं ना ये तीनों मेरी गवाही है मैं जब चापल में गया आज प्रार्थना के लिए यहां पर आने से पहले प्रभु ने कहा तुम जाओगे और चुपचाप खड़े होकर देखोगे कि ईश्वर कैसे लोगों को बचाता है हालेलुया हालेलुया प्रभु ने कहा जाकर देखो कि प्रभु क्या करता है क्योंकि बचाने वाला मैं नहीं यीशु है बोले आमीन आमीन एक एक को बचाएगा एक एक को बचाएगा आमीन एक एक को बचाएगा आमीन हालेलुया हालेलुया 13 साल का पढ़ाई है 13 साल का पढ़ाई है पुरोहित बनने के लिए दुनिया के सभी धर्म के बारे में सीखते हैं चाहे हिंदुइज्म हो इस्लाम हो सिखिज्म हो जुडाइज्म हो हम सीखते हैं फादर बनने से पहले सब इस जगह से अच्छे चीजों को सीखते हैं कोई बुराई नहीं सीखा मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं कोई नौकरी नहीं मिलता इसलिए फादर नहीं बना है कोई और काम नहीं मिल सकता इसलिए फादर नहीं बना है उसने बुलाया है उसके लिए आया है उसने मोहब्बत किया है उसके जैसे और कोई मोहब्बत करने वाला ईश्वर नहीं है बोलिए आमीन आमीन मैंने देखा नहीं किसी धर्म ग्रंथ में दुनिया के किसी क्षेत्र में यीशु जैसा मोहब्बत करने वाला किसी को मैंने आज तक देखा नहीं हालेलुया हालेलुया इसलिए दीवाना होकर निकला है उसके लिए और भी जीने मरने तैयार है उसके लिए जान देने तैयार है क्योंकि मेरे को टच किया हुआ वचन बता क्या है आपने पिछले दिन सुना भी है पिछले इतवार को लूकस का अध्याय 15 आपने 3 तक पढ़ा उसके बाद 11 से पढ़ा पर मैं चौथा वचन भी पढ़ना चाहूंगा बोलिए आमेन आमेन पता क्या लिखा है वहां पर ध्यान से सुनो किसी के पास 100 भेड़े थे कितने 100 एक गवाचिया गया यानी खो गया फिर कितना रह गया 99 यानी 99 आकाश आकाश के पास 100 भेड़े हैं एक खो गया तो आप क्या करोगे आकाश शायद सोचेगा
अरे काय को रात को टेंशन लेना है, 99 तो मेरे पास है ना, है तो एक ही गया, मिल जाए तो मिल जाए, कोई बात नहीं 99 से हो जाएगा। लेकिन आकाश आपके और मेरे जैसे यीशु नहीं सोचता है। यीशु क्या सोचता पता है, 99 का क्या हो गया मेरा टेंशन नहीं, लेकिन एक को मेरे को बचाना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है जब तक मिलेगा तब तक मेरा यीशु ढूंढेगा। बोलिए आमीन, आमीन। तुम शराबी हो, तुम बेकार हो, तुम गलत काम करते हो, लोग बोलेगा, दुनिया बोलेगी क्या तू बेकार है, किसी काम का नहीं है, लोग छोड़ देगा आपको, लोग छोड़ देगा, लेकिन यीशु नहीं छोड़ेगा, यीशु नहीं छोड़ेगा, यीशु नहीं छोड़ेगा, यीशु नहीं त्यागेगा, यीशु नहीं छोड़ेगा, यीशु नहीं त्यागेगा। चाहे कितनी बड़ी महामारी आने दो, इंडोर में 2020 मार्च में लॉकडाउन होने से पहले जब कोरोना फैल रहा था, मैं इंडोर में रिट्रीट दे रहा था, रेड चर्च में कैथीड्रल में, वहां पर मेरे को प्रभु ने एक गीत दिया है, यीशु नहीं छोड़ेगा, यीशु नहीं त्यागेगा, चाहे कितनी बड़ी महामारी आने दो, वही खुदा है वही राजा है, वही खुदा है वही राजा है, यीशु बचाता है हमें, यीशु बचाता है। कौन बचाएगा, यीशु। डरो नहीं घबराओ नहीं, डरो नहीं घबराओ नहीं, तुमको बचाने यीशु आया है, डरो नहीं घबराओ नहीं, तुमको बचाने यीशु आया है, वही खुदा है वही राजा है, वही खुदा है वही राजा है, यीशु बचाता है। एक बार बोलो ना, यीशु बचाता है, एक को बचाया, एक को बचाने आया। बोले आमेन, आमेन। दोनों हाथों को सीने से लगाए, अपने छाती से लगाए, सीने से लगाए हाथों को। मैं एक असली घटना बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। एक बार मेरे पास एक बेटी आई एतराफ के लिए, पाप स्वीकार के लिए, पापों को बोलते बोलते रोने लगी, इतने रोने लगी मुझे समझ नहीं आया मैं इसको कैसे रोना बंद कराऊं। अगर बहुत छोटे हो तो गले लगा सकते हैं, ये तो एक जवान बेटी है, का रोना कैसे बंद करूं। मेरे परिवार का मैं सबसे छोटा हूं, हम तो 8 भाई बहन में 8वां नंबर का है। मेरे भाई बहनों के बच्चों को मैंने बहुत उठाया है, बच्चों को मैंने कहानी सुनाया है, और मैंने देखा है बच्चों को चुप कराना है उनको कहानी सुनाओ, तो मैं एक कहानी सुनाने लग गया, कहाँ पाप शिकार में बैठे बैठे। पता कैसे कहानी है, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह ने मेरे मुख से बोलने लगा, मैं नहीं, मैंने कई बार देखा प्यारे भाई और बहनों, इतराफ में मैं नहीं बैठता, मेरा प्रभु बैठा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये मेरा अनुभव, इसलिए मैं भी इतराफ करता हूँ और इतराफ के लिए बैठता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मैं नहीं, मेरा प्रभु बैठता है। कहानी सुन के आपको पता चलेगा, क्योंकि कहानी का एक लाइन भी मुझे मालूम नहीं था, मैं क्या बोलने वाला मेरे को मालूम नहीं था, मैं जब बोलने लगा अगला लाइन क्या है मेरे को मालूम नहीं था। मैं उस बच्चे को बोलने लग गया, मैंने कहा मैं आपको कुछ एक कहानी बता रहा हूँ, क्या कहानी मुझे मालूम नहीं, फिर भी मैं बोलने लग गया। उस दिन मेरे को पता चला मेरी जुबान को यीशु ने अपने अधिकार में कर लिया। बोलिए आमीन, आमीन। और मैंने बोलने लगा देखो मैं इस जो खोए हुए मेमना था ना उसके साथ मैंने इंटरव्यू चलाया, हिंदी में बोलते साक्षात्कार, इंटरव्यू समझते हैं ना, बोलते बातचीत करते ऐसे। मैंने बोला कि हे मेमने जो खो गया था, मैंने उससे बोला देखो मेरा नाम फादर थॉमस, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं, आपका इंटरव्यू लेने आया हूं। जब आप खो गए थे, अकेले पड़ गए थे, झाड़ियों में फंस गए थे, इतने बड़े खाई, अगर थोड़ा हिल जाए खाई में गिर जाएगा,
अगर थोड़ा सा चिल्लाएंगे कोई जंगली जानवर सुनेंगे और आपको आके खा जाएगा। ना तो चिल्ला सकते ना तो हिल सकता, ऐसे फंस गए। अंधेरा होने लगा, अंधेरा होने लगे तो डर लगने लगा, बाकी 99 से आप अलग हो गए हो। ऐसी हालत में आपके अंदर क्या बीत रहा था, आपके साथ क्या गुजर रहा था, मेरा सवाल है। मैंने कहा दुनिया का पहला पुरोहित होगा आपके साथ इंटरव्यू करने आए, मैं ये सब बोल दिया एक साथ। अब मेरे को भी मालूम नहीं मैंने कैसे कहा नहीं बोला, आपने भी कभी सुना नहीं, मुझे पता है क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे को दिया है। इतना बोलते ही उसका रोना बंद होने लग गया। अब उत्तर में क्या बोलेगा मेमना, मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम नहीं आगे क्या बोलना। उस मेमने ने मेरे को बोला, मैं बोलते जा रहा हूं इस बच्ची को, हाँ ये सच है, अब पहला पुरोहित है जो मेरे साथ इंटरव्यू चलाने आया। पता क्या हुआ, जब मेरे साथ क्या है ऐसा हुआ, मैं अकेला पड़ गया, सभी से अलग हो गया। मैं अपने स्वार्थ से गया था, कुछ नया मिलेगा सोचकर मैं अकेला पड़ गया, मैं गिर गया इतने बड़े खाई में और झाड़ियों में फंस गया। अगर मैं हल्का सा हिल जाऊं ना, मैं नीचे इतने बड़े गर्त में खाई में गिर जाता। मैं अगर थोड़ा सा हल्ला करेगा चिल्लाएगा कोई जंगली जानवर मेरे को खा लेगा। अंधेरे होने लगा ना, मेरा धड़कन इतना तेज होने लगा डर के मारे, मैं बहुत घबरा गया था, मैं बहुत अकेला हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा क्या होगा। पर पता है वो मेमना बोल रहा है, इतने में बच्ची बिल्कुल रोने बंद हो गई, वो सुनने लगे। आप भी सुनो ये मेमने क्या बोला। इस मेमने ने बोला, फादर उस समय मेरे मन में एक विचार आया, मेरा गडेरिया मुझे बचाने जरूर आएगा। हालेलुया, मेरा गडेरिया मुझे बचाने जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, माय शेपर्ड विल कम इन सर्च ऑफ मी टू सेव मी, से हालेलुया, हालेलुया। ये मैं हूं खो गया मेमना, वो मैं हूं जो गवाचिया गया था, मेरा यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये जो आशा है ना वो आपके अंदर भी होना चाहिए। कितने खराब क्यों ना हो, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, दुनिया के सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, अब तक पाप में डूबते आए, अब तक 100 बार 1000 बार लाखों बार कोशिश किया पापों से बचने के लिए, लेकिन बुरी तरह से हार गया। शराब छोड़ना चाहा, हो नहीं पाया। बेविचार की बात छोड़ना चाहा, हो नहीं पाया। अश्लील बातचीत छोड़ना चाहा, हो नहीं पाया। बुराई छोड़ना सोचा, कभी हो नहीं पाया। और आज प्रभु कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा। बोले आमेन, आमेन। और आपको भी बोलना है मेरे यीशु आएगा, मेरे यीशु आएगा मुझे बचाने के लिए। बोले आमेन, आमेन। पता क्या है, वो आशा के कारण, उस आशा के कारण 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर उस एक के पीछे वो गडेरियन निकल पड़ा। और बाइबल में लिखा है लूकस 15:4 में, जब तक मिलेगा तब तक ढूंढेगा, आधे रास्ते में छोड़ेगा नहीं। खोजना नहीं, अंधेरा हो गया, रात हो गया, कल देखेंगे नहीं, जब तक मिलेगा तब तक ढूंढेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों जो मेरी बात सुन रहे प्रभु के सामने है ना, ये रोटी के रूप में क्यों आया, क्यों सलीब में मरा, क्यों लहू बहाया, क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं। वो आपको खोना कैसे चाहेंगे, लहू की कीमत है आपका और मेरा उद्धार, यीशु मसीह का लहू की कीमत है। आपका उद्धार की कीमत क्या है, मेरे यीशु का लहू है। 2012 में जयपुर में 7 पल्ली 7 पारिश मिलकर कन्वेंशन चल रहा था, उस समय सेंट सेवियर स्कूल जयपुर में उनके ऑडिटोरियम में आराधना के बीच में मैंने कहा, एक हाथ में शराब का बोतल ले लो, दूसरे हाथ में यीशु का लहू फेंक दो, क्या फेंकना है, चाहे यीशु का लहू फेंकोगे या शराब की बोतल। दोनों हाथ उठाओ,
बराबर उठाओ, आप भी ले लो एक हाथ में यीशु का लहू, दूसरे हाथ में आपके पाप रखोगे। क्या पाप को रखोगे? यीशु के लहू को, पाप को फेंकोगे? यीशु के लहू को फेंकोगे? शराब, नशे, गंदगी, व्यभिचार, इसको फेंकोगे या यीशु के लहू को रखोगे? क्या फेंकोगे? पापों को या यीशु के लहू को? क्या फेंकोगे? क्या फेंकोगे? एक भाई जिनका नाम अर्जुन है, उसका नाम भी मैं लेता हूं क्योंकि उसको बोलकर मैं बोलता हूं आपको, शायद मेरी बात सुनते होंगे, अभी भी जयपुर में है। 2012 से आज 10 साल पूरा हो गया, अब तक वो शराब नहीं पीता क्योंकि वो रोता रहा। आराधना खत्म हो गया लेकिन वो रोता रहा। मेरे को पता है उस भाई को बंगाल से है, पर आज तक उसने शराब के बोतल के तरफ नजर तक भी नहीं उठाया क्योंकि यीशु का लहू कीमती है। सब बोले आमेन। गाएंगे वो जंजीरों को तोड़ता है, सब लोग ताली बजाएंगे, सब लोग मिलकर ब्रदर जी के साथ मिलकर यीशु के इस महान छुटकारा को अनुभव करें। वो जंजीरों को तोड़ देता है क्योंकि यीशु का जिंदा लहू आपको तोड़ देगा। हालेलुया। जंजीरों को तोड़ता है जिंदा खुदा तेरा लहू। आमीन। जंजीरों को तोड़ जीसस जंजीरों को तोड़ता है जिंदा खुदा तेरा लहू। जंजीरों को तोड़ता है बोलिए जिंदा खुदा तेरा लहू। जंजीरों को तोड़ता है जिंदा खुदा तेरा लहू। ताली बजा के को तोड़ता है जिंदा खुदा तेरा लहू। जंजीरों को तोड़ता है जीसस जिंदा खुदा तेरा लहू। पापों का छुटकारा ये, पापों का छुटकारा है, जीने का सहारा है, जीने का सहारा है। जिंदा खुदा तेरा लहू, ओ जिंदा खुदा तेरा लहू। जिंदा खुदा तेरा लहू, ओ जिंदा खुदा। जंजीरों को तोड़ता है आदम लहराए जिंदा खुदा तेरा लहू। बोलिए जंजीरों को तोड़ता है जिंदा खुदा तेरा लहू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। याद रखना पाप होंगे घातु पर, पाप के जंजीरों को यीशु का लहू तोड़ेगा। सब बोले आमीन आमीन। यानी स्वीकारना है आपको, इसको ग्रहण करना है, अपनाना है, रिसीव करना है। जैसे मैं बोलूंगा आमीन बोल के ग्रहण करो, पापों के बंधनों से यीशु का लहू आपको आजाद करेगा। आमीन। हर प्रकार के मंत्र, चंद्र, जादू टोने के सारे बंधनों को यीशु के लहू तोड़ेगा। आमीन। नौकरी के रुकावट यीशु के लहू तोड़ेगा। आमीन। नशे शराब के बंधन यीशु के लहू तोड़ रहा है। आमीन। हर पुरखों के ओर से चले आए सारे बंधन यीशु के लहू तोड़ रहा है। आमीन। पापों के बोझ से थके और दबे हुए सबको यीशु आज आजाद कर रहा है। आमीन। आपके बुरी आदतों के बंधनों से यीशु का लहू आपको आजाद कर दिया है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जैसे
जो लैंगिकता के पाप हैं, अश्लील बातें हैं, बुरी बातों को देखना, बुरी नजरों से देखना, व्यभिचार का पाप, वासना के पाप के बंधनों से यीशु मसीह का लहू आपको छुटकारा दे दिया है। यीशु का जिंदा लहू आज आपके हर पापों से आपको आजाद किया है। आमीन। सारे बुरे आदतों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। जंजीरों को तोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, जिंदा खुदा तेरा लहू। दिल से बोलो, जंजीरों को तोड़ता है, ताली बजाए, जिंदा खुदा तेरा लहू। जंजीरों को तोड़ता है, जिंदा खुदा तेरा लहू। जंजीरों को तोड़ता है, जिंदा खुदा छुटकारा है, पापों का छुटकारा है, ये जीने का सहारा है, जीने का सहारा है। जिंदा खुदा तेरा लहू, जिंदा खुदा तेरा लहू, जिंदा खुदा। आराधना करे, आराधना करे, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, मूर्ति पूजा के पाप से, शराब नशे के पाप से यीशु ने बचा लिया है, यीशु ने बचा लिया है। हालेलुया, यीशु के लहू का सामर्थ्य यहाँ पर उतर रहा है। बोलिए आमीन। यीशु के लहू के सामर्थ्य आप लोगों पर उतर रहा है। मैं जिनको बुलाऊं वो आगे आ जाए बीच में। जिनके सिर में दर्द है, सिर में कोई ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, या कोई गांठ है, या किसके कान में सुनाई कम देता है, जिनके आंखों से पानी बगदा है, जिनके आंखों की रोशनी कम है, आंखों का जो भी तकलीफ हो वे आगे आ जाओ। जिनका सिर दर्द है वे आगे आ जाओ। जिनके कान से सुनाई नहीं देता है, कम सुनता है, पर्दा फटा हुआ है, कुछ भी हो, कानों की तकलीफ कुछ भी हो, आगे आ जाओ। और जिनके दांतों में परेशानी है, जुबान से अच्छे से बोला नहीं पा रहा है, और जिनके मानसिक दबाव है, दिमागी हालत सही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दवाई खा के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वे आगे आ जाओ। जिनके नाक से परेशानी, सांस लेने में तकलीफ़ है,
जिनको बोलने में तकलीफ है वे आगे आ जाओ, जिनके सर में किसी भी प्रकार का तकलीफ हो वे आगे आ जाओ, बाकी कोई नहीं आना, बाकी कोई नहीं आए, जिनको बुला रहे वही आ जाएगा। वो जो आगे आए वो अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखो, जो आगे आए अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखो। मैं सारे फादर लोगों से विनती करूंगा वो भी थोड़ा आगे आ जाएं और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त सभी पुरोहित इस वक्त मिलकर पवित्र परम प्रसाद की उपस्थिति में पाक शरागत में मौजूद यीशु मसीह के उपस्थिति में आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बोलिए आमीन। प्रभु के लिए कोई बीमारी बीमारी नहीं है। क्या प्रभु के लिए कुछ नामुमकिन है? नहीं। क्या कोई प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है? नहीं। क्या कोई बीमारी उसको चंगाई करने में मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले मेरे पीछे, हे यीशु, हे यीशु, ये यीशु, हे यीशु, ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ नहीं, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है। हे प्रभु, हे प्रभु, अपना हाथ बढ़ाए, अपना हाथ बढ़ाए, अपने हाथ बढ़ा कर, अपने हाथ बढ़ा कर, मैनु छू ले, मैनु छू ले, छू के चंगा कर, छू के चंगा कर, यीशु मसीह नासर के नाम पर, यीशु मसीह नासर के नाम पर, सब बीमारियां, सब बीमारियां, खास करके ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर दूर हो जाए, दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। माइग्रेन का हेडेक, माइग्रेन के यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर दूर हो जाए, दूर हो जाए। सभी प्रकार का सिर दर्द, सभी प्रकार का सिर दर्द इसी वक्त दूर हो जाए, दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आंखों के तकलीफ, आंखों कानों के तकलीफ, कानों के तकलीफ, आमीन, आमीन। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर दूर किया जाए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलने में जो तकलीफ है दूर हो जाए, आमीन। जो बोलता नहीं बोलने लगे, आमीन। जो सुनता नहीं सुनने लगे, आमीन। जो देखता नहीं देखने लगे, आमीन। आज तक जिन्होंने बोला नहीं वो बोले, आमीन। जन्म से गूंगा बोले, आमीन। जन्म से बहरा सुन ले, आमीन। जन्म के अंधा देखे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, आमीन। बी हील्ड, आमीन। बी हील्ड, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। जो सामने आए, आपको कम सुनता था, अब इसी वक्त यीशु मसीह ने आपके कान को चंगा किया, अब अच्छे से आपको सुनाई दे रहा है, इस प्रकार महसूस करने वाला हाथों पर करो। जिनको भी पहले कम सुनता था अब अच्छे से सुनता है, सुनाई दे रहा है, वे लोग अपना हाथों पर करो। जो जो भाई बहन को अच्छे से सुनाई दे रहा, पहले कम सुनता था, सुनाई कट सी, हुन अच्छी तरह सुनाई दे रहा, इस तरह महसूस करने वाला हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करो। जो हाथ उठा रहे अच्छे से उठाओ। आपको कब से, कितना समय से तकलीफ था? साल दो साल से कट सुनाई दे रहा, हुन अच्छे से सुनाई दे रहा है। आपके साथ कोई आए हैं? आप घर से अकेले हैं? आपको जान पहचान वाला कोई खड़े हैं? नाम बताओ। सवरजीत। कौन है सवरजीत? आप हो, जानते इसको? जानते हो? इसको कम सुनाई देता था, हैं? कम सुनाई देता था। आपका नाम क्या बोला? रेखा। अब रेखा को प्रभु ने अच्छे से सुनाई देने की कृपा दी। इस बहन के लिए जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। आमेन, आमेन, आमेन। जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए। आपके सिर में बहुत दर्द हुआ करता था, माइग्रेन जैसे हेडेक हुआ करता था, या सिर के किसी भी एक जगह पर दर्द हुआ करता था, जो भी आपने कई सालों से दवाई खाने से भी कोई असर नहीं हुआ, इसी वक्त यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है। जिनको आप में से जिनको भी इस तरह आपके सिर दर्द से छुटकारा मिला, चंगाई मिली है, वे हाथ ऊपर करिए। जिनको सिर दर्द बहुत दवाई खा खा के थक गए, लेकिन यीशु मसीह ने आपके सिर दर्द को सचमुच दूर किया है, ऐसे महसूस करने वाला हाथ ऊपर करके प्रभु की महिमा करो। इनके लिए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर दी बढ़िया करे। हालेलुया। जो हाथ उठाया, आपका कितने समय से सर दर्द था? कौन है, कौन हाथ उठाया?
हाँ, आपका कब से दर सर दर्द था? 15 साल से, हमेशा चलता आया। अभी आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आपने विश्वास किया, आपका सिर दर्द प्रभु यीशु ने दूर किया। आपका क्या नाम है? शीला। कहाँ से आप? यही पर, एक नंबर गली से आए, नई आबादी है ना। शीला बहन को 15 साल के सर दर्द से यीशु मसीह ने चंगा किया है। जोरदार तालियां प्रभु के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु यहाँ मौजूद है, बोलिए आमेन। हालेलुया हालेलुया। अभी आप लोग वापस जाइएगा, जिनको मैं बुलाऊंगा वो दोबारा आ जाएगा, लेकिन अभी आप लोग वापस जाइए, क्योंकि आप में से कई लोगों को भी छुआ है यीशु मसीह ने। आप इनके लिए ताली बजाएं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। तालियां प्रभु के लिए, तालियां। हालेलुया हालेलुया। जिनके हार्ट में तकलीफ है, दिल का मरीज है, हार्ट अटैक का हुआ है, आपका कोई छेद है दिल में, आपका दिल का धड़कन बढ़ता है, ऐसे जो तकलीफ वाले सब आगे आ जाए। जिनके लिवर में प्रॉब्लम है वे आगे आ जाए, जिनके फेफड़े में लंग्स में प्रॉब्लम है वे आगे आ जाए, कोई कैंसर के मरीज है वे आगे आ जाए, कोई कैंसर के मरीज हो वे आगे आ जाए, जिनसे जिनका निमोनिया का पीलिया का बीमारी है, जिसका किडनी में तकलीफ है, किडनी पेशेंट्स, गुर्दे के मरीज आगे आ जाओ, बीपी के मरीज आगे आ जाओ, शुगर के मरीज आगे आ जाओ, जिनके शुगर की बीमारी है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है आगे आ जाए। जो प्रोग्राम में भाग ले रहे जहां कहीं से भी, वो इस वक्त प्रार्थना करें, यीशु मसीह आपको छू रहा है, उसके लहू में, उसके लहू से आपको यीशु छू रहा है। आज आज आप परमेश्वर की निजात के काम देखोगे। चुपचाप आ जाओ, चुपचाप आ जाओ और निजात के काम देखो, छुटकारा महसूस करो, क्योंकि यीशु आपको बचाने आया है। टीबी के परेशानी, टीबी की बीमारी है आगे आ जाओ, टीबी के मरीज आगे आ जाओ, गुर्दे के मरीज आगे आ जाओ, जो लंग्स का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम आगे आ जाए, आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, हाथ के तकलीफ है आगे आ जाए, कोई अल्सर के मरीज आगे आ जाओ, जो गैस बनता है इसका प्रॉब्लम है वो आगे आ जाए, खाना पचता नहीं है, वो जलन होता है वो आगे आ जाओ, कोई खाने से एलर्जी है वो आगे आ जाओ, यूट्रस में तकलीफ है, फाइब्रॉइड्स है वो आगे आ जाए, यूट्रस में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ रसोली है आगे आ जाओ, आपके पैंक्रियास में प्रॉब्लम है आगे आ जाए, आगे आ जाए। प्रार्थना करेंगे इस वक्त, जो भी आगे आए, जी हाँ, कहीं भी आपको दर्द है हाथ रखिए, बाकी सारे संगत इनके लिए हाथ बढ़ाएं, बाकी सारे संगत दोनों हाथ उठाओ, एक बल अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके बच्चे हो, प्रार्थना करो। सारे फादर लोग इस वक्त अपने हाथ बढ़ाएंगे, आए हुए भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, जहाँ कहीं दर्द तकलीफ है इस वक्त प्रार्थना करें, विश्वास करो यीशु मुझे छू रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे यीशु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, जो भी है हम प्रभु आपके सामने आए, प्रभु जी आप हाथ बढ़ाए प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जितनों ने आपका स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। रक्त स्राव के बीमारी से पीड़ित औरत
मन ही मन सोचा अगर मैं उसके कपड़े के पल्ले को छूं तो मैं चंगी हो जाऊं। प्रभु उसने विश्वास के साथ आपको छुआ, वो चंगी हो गई। प्रभु जी ये भाई बहन आपके सामने हैं, अपना हाथ बढ़ा ले प्रभु, इनको छू ले, इनको छू ले, अपना हाथ बढ़ा ले, इनको छू ले, इनको चंगा कर, इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड, बी डिलीवर्ड फ्रॉम ऑल योर डिजीजेस, हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, किडनी के पेशेंट चंगे हो जाएं, शुगर के मरीज चंगे हो जाएं, लीवर के मरीज चंगे हो जाएं, लंग्स के मरीज चंगे हो जाएं, आज के मरीज चंगे हो जाएं, हर प्रकार की एलर्जी दूर हो जाएं, जो भी गांठ रसोली है इसी वक्त यीशु के नाम पर वो इनके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जाए। हे प्रभु इनका शरीर आपका मंदिर है, ये बीमारी का जगह नहीं है, ये गांठ का जगह नहीं है, ये शरीर को छोड़कर इसी वक्त ये बीमारी की दुष्ट आत्मा इनसे निकल जाए, क्रूस के नीचे बंद कर राख हो जाए, चल कर राख हो जाए, हमेशा के लिए राख हो जाए, कभी वापस ना आ जाए। हालेलुया हालेलुया, जोरदार ताली बजा के इनके लिए धन्यवाद है। हालेलुया हालेलुया, तालियों में दम नहीं है, जोरदार ताली बजा के परमेश्वर के लिए बढ़िया करें, स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जगह सीने के बिल्कुल बीचों बीच काफी ज्यादा जलन या दर्द महसूस हो रहा था किसी को, या किसी से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको प्रभु ने छुआ है, चंगा किया है। ऐसा कोई है जिनका बहुत ज्यादा दर्द जैसा हो रहा था, यानी जलन जैसा हो रहा था काफी समय से, प्रभु ने आपको छुआ है, ऐसा महसूस करने वाला हाथ ऊपर करो। काफी लोग हैं, कब से आपका परेशानी था, बचपन से, अब आपको अच्छा लग रहा है, आपने चंगाई महसूस किया है। हालेलुया हालेलुया, आपका कब से परेशानी था, 3 साल से आपको अच्छा महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका, स्कीना, अच्छा। इस बहन के लिए, इस भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की बढ़ियाई करे। हालेलुया जीसस, आपको मैं कहता हूँ आप में से एक भी खाली होकर नहीं जाएगा। आमें, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। अभी जहां कहीं भी आप खड़े हो वहां पर प्रार्थना करें। जिनके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, हड्डियों में तकलीफ है, जोड़ जोड़ में तकलीफ है, आप लोग वापस जा सकते हैं। आपके आपके हड्डियों में, जोड़ जोड़ों में तकलीफ है, आपको आगे आने की जरूरत नहीं, आप जहां खड़े हैं वहां अपना हाथ रखिए, अपने हाथ रखिए। इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हे प्रेमी पिता ईश्वर इसी वक्त इनको छू ले प्रभु, इनके हड्डियों में जीवन आ जाए, इनके हड्डियों में जान आ जाए, इनको चलने फिरने की शक्ति आ जाए। हे प्रभु यीशु, अंकुश जो बच्चा आज गिर करके उनके बाएं हाथ का जो प्रभु बाएं हाथ टूट गया, जिनको ऑपरेशन के लिए बता रहा था प्रभु, उस बच्चे के हड्डी दोबारा जुड़ जाए। हालेलुया हालेलुया। उसी तरह जो भी जिनके हड्डियों में क्रैक है, जिनके हड्डी टूटा हुआ है, जिनके घुटनों में बल नहीं है, यीशु मसीह नासर के नाम पर इनके घुटनों में दोबारा बल आ जाए, इनकी टूटे हड्डी जुड़ जाए, इनकी टूटी हड्डी जुड़ जाए। जो जो रीढ़ की हड्डी में नस नस तो दब गया है वो रिलीज हो जाए, इनके रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाए, जो ठेढ़ा हो गया है, डिस्क प्रॉब्लम हो गया है, डिस्क प्रॉब्लम हो गया है, यीशु मसीह के नाम पर सब जो जिनका भी ये परेशानी हुआ है वो डिस्क नॉर्मल किया जाए। हालेलुया जोरदार ताली बजा प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, प्रेज टू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहता है आज तुम प्रभु की नजात देखोगे, और बाकी सभी लोग घुटने टेके और पाक्षराग के इस वक्त आशीर्वाद ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग घुटनों में आए, हालेलुया। पाक रुदा दे दे ओ मजा, पाक रुदा दे दे ओ मसा।
भागरुदा दे दियो मजा, भागरुदा दे दियो मजा, भागरुदा दे दियो मजा, भागरुदा दे दियो मजा। प्रसाद वापस जाने के लिए तैयार हो जाएं, जैसे आए वैसे लाइन में बड़ी श्रद्धा से भक्ति से। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, सारे ताली बजाएं। राजा ओंगा राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभु ओंगा प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजा ओंगा राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभु ओंकार प्रभु यीशु हल्लेलुया, प्रभु ओंकार प्रभु यीशु हल्लेलुया, 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 जीवन देने वाला यीशु हल्लेलुया, हल्लेलुया, हमें मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, ओ राजा ओंगा राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, हल्लेलुया। एक बार जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की बड़ियाई करें।